1200 सैनिक लेकर रात 11 बजे तक पहुंच जाएंगे। पाकिस्तान का परचम। दुनिया के सारे साइबर क्राइम के पीछे एक ही आदमी का हाथ है। जाने कब होगी रिलीज ध्रुव सरजा की फिल्म मार्टिन। फिल्म मार्टिन को लेकर हुआ बड़ा अनाउंसमेंट। सैंडलवुड अभिनेता ध्रुव सरजा स्टारर कन्नड़ एक्शन थ्रिलर फिल्म मार्टिन सिल्वर स्क्रीन पर हिट होने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये फिल्म एपी अर्जुन के निर्देशन में बनी है। कहानी अर्जुन सरजा ने लिखी है। ये आगामी फिल्म घोषणा के बाद से ही सुर्खियां बटोर रही है। दर्शक उत्सुकता से आगे के अपडेट का इंतजार कर रहे थे। बहुप्रतीक्षित फिल्म के बारे में हालिया रिपोर्ट अब वायरल है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्टिन की डबिंग का काम पूरा हो चुका है। एपी अर्जुन ने एक्स पर एक फोटो के साथ ये खबर शेयर की। डबिंग पूरी तरह से पूरी हो गई है, जल्द ही अपडेट, उन्होंने कैप्शन में लिखा। उन्होंने डबिंग स्टूडियो में ध्रुव सरजा के साथ अपनी एक तस्वीर संलग्न की है। कहा जा रहा है कि एपी अर्जुन जल्द ही रिलीज डेट की आधिकारिक घोषणा करेंगे। रिपोर्ट से पता चलता है कि फिल्म को अपनी शूटिंग पूरी करने में 240 दिन लगे हैं। फिल्म का एक गाना कश्मीर में शूट किया गया था। हाल ही में न्यूज 18 कन्नड़ डिजिटल से बातचीत में एपी अर्जुन ने कहा कि फिल्म की रिलीज डेट जल्द से जल्द बताई जाएगी। उन्होंने अपनी फिल्म का ज्यादातर काम पहले ही पूरा कर लिया है, जिससे उत्सुकता और बढ़ गई है। उन्होंने आगे ये भी बताया कि ध्रुव सरजा ने फिल्म में शानदार एक्शन किया है। इससे पहले कथित तौर पर फिल्म के एक विशेष गाने के लिए हैदराबाद में एक बहुत ही महंगा सेट बनाया गया था, जिसमें ध्रुव सरजा और जॉर्जिया एड्रियानी ने अभिनय किया था। गाने की कोरियोग्राफी इमरान सरदारिया ने की थी। इस असाधारण डांस नंबर को फिल्म का मुख्य आकर्षण माना जा रहा है। संगीत मनीष शर्मा द्वारा रचित है, जबकि प्रमोद मरवंते ने इस विशेष संख्या के लिए गीत प्रदान किए हैं। ये भी बताया गया है कि मार्टिन के विशेष गीत में 350 विदेशी नर्तक होंगे, जो ट्रैक को एक अंतर्राष्ट्रीय अनुभव देंगे। ऐसा कहा जाता है कि गाने के निर्माण में लगभग
3.5 करोड़ रुपए की लागत आई थी। सूत्रों के मुताबिक गाने की शूटिंग करीब 10 दिनों में पूरी हो गई थी। इस गाने की रिहर्सल के लिए केवल 5 दिन की जरूरत थी। कुल मिलाकर मार्टिन में कुल 4 गाने होंगे। उदय के मेहता द्वारा निर्मित मार्टिन में ध्रुव सरजा मुख्य भूमिकाओं में है। साथ ही वैभवी शांडिलिया, अन्वेषी जैन और सुकृता वागले, अच्युत कुमार और निकेतन धीर भी प्रमुख भूमिकाओं में है। कहा जाता है कि कहानी अर्जुन के इर्द गिर्द घूमती है, जिसकी यात्रा उसे अपनी वास्तविक पहचान की खोज करने और काले बाजार के डीलरों के खिलाफ लड़ने के लिए पाकिस्तान से भारत ले जाती है, जो देश में बड़े हमलों को अंजाम देने के लिए आतंकवादियों से जुड़े हुए है। जबरदस्त एक्शन है फिल्म मार्टिन। फिल्म को लेकर लगाए गए बड़े दावे, जाने पूरा रिव्यू। साउथ सिनेमा की एक और बड़ी फिल्म का टीजर रिलीज कर दिया गया है। जी हां, कन्नड़ इंडस्ट्री की पैन इंडिया फिल्म मार्टिन, जो कि एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म है, जिसका शानदार टीजर हिंदी में रिलीज कर दिया है। टीजर इतना धमाकेदार है कि देखने के बाद ही ये तय है हो गया है कि जब ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी, तब ये फिल्म कई रिकॉर्ड्स अपने नाम करेंगी। कन्नड़ इंडस्ट्री की इससे पहले ब्लॉकबस्टर फिल्में KGF 2 और कांतारा पिछले साल इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया था। इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर नए नए रिकॉर्ड बनाए थे और अब इनकी फिल्म मार्टिन का टीजर रिलीज भी कर दिया गया है। टीजर इतना धमाकेदार है कि जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी, तो इस फिल्म कई रिकॉर्ड अपने नाम करेंगी। आपको बता दें कि AP अर्जुन के डायरेक्शन में बनने वाली मार्टिन एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म है, जिसके लीड में आपको ध्रुव सरजा, वैभवी शालडिंगले और अन्वेषी जैन, चिकन्ना मालविका, अविनाश, अयुक्त कुमार, निकेतन धीर, नवाब शाह, रोहित पाठक जैसे बेहतरीन नजर आएंगे। जैसे हिंदी, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ और इंग्लिश भाषाओं में भी रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म का 2:33 सेकंड का टीजर रिलीज किया गया है। इसमें ध्रुव सरजा का धमाकेदार एक्शन देखने को मिला, अन्वेषी जैन के साथ बेहतरीन केमिस्ट्री देखने को मिली, साथ ही साथ फिल्म के विलेन नाथन जोन्स के साथ धमाकेदार फाइट भी देखने को मिली। AP अर्जुन, जो कि इससे पहले ध्रुव सरजा के साथ एक और बेहतरीन ब्लॉकबस्टर फिल्म दे चुके हैं, इनके ही डायरेक्शन में बनने वाली मार्टिन एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे कि ऑल ओवर इंडिया में यानी पैन इंडिया रिलीज किया जा रहा है। इस फिल्म की कहानी को लिखा है एक्शन किंग अर्जुन सरजा ने, जिसके लीड में आपको ध्रुव सरजा के अलावा कई सारे बेहतरीन एक्टर भी नजर आने वाले हैं। बता दें कि इस फिल्म के 2:33 सेकंड के टीजर में आपको हर चीज देखने को मिलने वाली है, जो कि आप एक्शन एंटरटेनर फिल्म से उम्मीद करते हैं। इस फिल्म में एक्शन ड्रामा के अलावा रोमांस भी देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ KGF 2 जैसी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म में अपना म्यूजिक दे चुके रवि बसरूर का म्यूजिक भी इस फिल्म में आपको सुनने को मिलने वाला है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो ध्रुव सरजा की फिल्म मार्टिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ऑडियंस के लिए एक धमाकेदार टीजर लेकर आ चुकी है, जिसका कल धमाकेदार अटेंडेंस बेंगलुरु में एक इवेंट के जरिए रखा गया था। और इस इवेंट में कई सारे सुपरस्टार के अलावा हजारों लोगों ने इस टीजर को एंजॉय किया, और इस टीजर को बड़े पर्दे पर देखने के बाद यही कहा जा सकता है कि ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आग लगाने वाली है, और साथ ही साथ ये फिल्म इंडियन सिनेमा के सभी बड़े रिकॉर्ड इंडियन बॉक्स ऑफिस पर तोड़ने वाली है। आपको बता दें कि इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है उदय के मेहता ने, जिनकी कंपनी वासावी एंटरप्राइजेस ने इस फिल्म के लिए कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। इसी के साथ ये फिल्म इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रॉसर बनने वाली है। आपको बता दें कि कन्नड़ सिनेमा की पिछले साल रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म KGF 2 और कांतारा ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हिस्टोरिकल कलेक्शन किया था। बता दें कि इन फिल्मों का बजट कम होने के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर एक बेहतरीन कलेक्शन किया था। प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म, जिसके लीड में आपको सुपरस्टार यश, संजय दत्त, रवीना टंडन नजर आए थे। मात्र 100 करोड़ रुपए के बजट में बनने वाली फिल्म, जिसका कुल कलेक्शन दुनिया भर में लगभग 1200 से 1250 करोड़ रुपए का रहा था। तो वही कांतारा फिल्म, जिसके लीड में आपको ऋषभ शेट्टी नजर आए थे, इस फिल्म का बजट बेहद ही कम था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक कमाई की।
इस फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन 410.90 करोड़ रुपए दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर रहा था। अरे यार कौन बोल रहा है ऊपर आने? कनिका जी सामने देखिए ना मैम, यहाँ पे देखिए मैम, कनिका जी एक यहाँ पे लास्ट मैम, गर्मी नहीं लग रही? अरे बहुत गर्मी लग रही है, क्या करने का? यहाँ पे आप कनिका जी, यहाँ पे एक लास्ट यहाँ पे मैम, मैम यहाँ पे मैम, ऊपर बोल दीजिए कैसी सर, यहाँ पे सर बैकड्रॉप है, सर बैकड्रॉप है, ऊपर सर यहाँ पे एक बार दिव्या जी सामने, एकदम मैम एकदम सामने, दिव्या जी एकदम सामने, दिव्या जी यहाँ पे आगे ऊपर आगे मैडम, एक मिनट मैडम, थोड़ा वर्ती दिव्या जी यहाँ से देखिए बेटा, वेट ब्लू नहीं है मेरा, मेरा ब्लू नहीं है, थैंक यू सो मच, इसका ब्लू है, ब्लू नहीं है, एक का व्हाइट है, एक का येलो है। फरदीन भाई, फरदीन भाई सेंटर देखो, सेंटर सर ग्लास हटा दो ना, फॉग है पूरा, हाँ सेंटर सर सर सामने देखिए, सामने फरदीन सर, रुकिए ना, रुकिए ना फरदीन सर, ओ नाइस शॉट सर फरदीन भाई, सर यहाँ देखिए सेंटर तुषार भाई यहाँ पे होल्ड करना, तुषार भाई यहाँ पे होल्ड करना, तुषार भाई सर यहाँ देखिए, बहुत कंजेस्टेड हो रहा है यार, थैंक यू, फरदीन भाई यहाँ पे सेंटर में, आजकल बाइक लेके अरे तिवारी पीछे आओ ना, अरे भाई भाई यहाँ पे सामने, भाई आपके लेफ्ट में, साकी भाई सामने अरे यार क्या बात है नुसरत जी, ऊपर ऊपर बैकड्रॉप है, बैकड्रॉप यहाँ ऊपर ऊपर मैम, बैकड्रॉप ऊपर प्लीज, आपसे
हाँ मार ले वहाँ पे ओके सर 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 को तो ले चलो मैं इधर रुकती हूँ सर का ले दो पहले सर दो जाने वाले चलो आने तो आने रुकिए 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 था ना तम्मे तेरे जाऊँ ना अरे जाऊँ मैंने आप आपका हाँ हाँ अरे मैं आपका सेलो अरे सर को आने जाऊँ ना सर को जाऊँ मैम सर सर रुकिए रमेश सर रुकिए रमेश सर रुकिए मैम मैम रुकिया नूश सर जी यहाँ पे यहाँ पे जल्दी आ रहा है नूश नूश मैम रुकिया नूशत मैम रुकिया सेंटर सेंटर रमेश सर नूश जी नूशत जी यहाँ पे नूशत जी यहाँ पे यहाँ पर रमेश सर रुकिए ना दो मिनट हो गया नहीं सर थैंक यू थैंक यू सर कम साथ में रमेश सर दिस साइड सर यहाँ पे भी रमेश सर यहाँ पे क्या मैडम थामा ना थोड़ा पुढे ना सावली बस अच्छी जी यहाँ पे साइलेंस टू माय नेशनल क्रश अरे भैया जी खेल खेल में आगे आइए ना बुलाओ ना भाई उनको एक घंटे तो थैंक यू नहीं नहीं रुको मैं भी आया हूँ रूपाली जी अरे यार नहीं हूँ कम यार छोड़ा चतरी थोड़ा पीछे पीछे अरे अरे वेट वेट मैम मैम वेट रुकिए सनी जी रुकिए अरे यार मेरा वीडियो चल रहा है यहां पर सामने देखिए सनी जी तिकड़े हो ना ज्यादा पर यहां पर मैम लोग रुकिए रुकिए आइए आइए नो इट्स ओके बाय बाय बेटा वन सर बाय बाय गाइस बाय बाय टेक केयर बाय सनी ये गई मैडम मैडम इकड़े मैडम इकड़े इकड़े जाओ 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 मैडम 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 इकड़े
मैडम इकडे इकडे हळू 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 मैडम हळू मैडम पुढे 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 इथे इथे इकडे बघा मॅडम 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 बाय एक लास्ट काळजी घ्या संपवून जावा मी आडवा मारणार फोटो मार सर यहाँ पर भाई इधर एक नंबर पुशअप्स मार के आने लगता है ये नहीं टीवी हां धन काढू ना आराम आपला आराम काढू ना इंजिन ना काढू आराम टीएस थांब दोन इकडे थांब थांब आराम काढू इथे काढू चल आई आई चल आई आई मोबी सर व्हिडिओ बंद करून काढू आता उजी पावाल होऊन बंद करू आता नाही हां तिकडे आहे ना ते अरे भाई भाई झालं नाही का संत गेला आवाज आहे गोबी सर गोबी सर गोबी सर एक फोटो फोटो करते चल रुकिया चल रुकना कैमरा सही ना कैमरा क्या बात है थैंक यू सर आई आई क्या बात हरे कृष्ण अरे 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 क्या बात है देख देख दिलों में बैठे हो जाओ बार जाओ लोगों के दिलों में बैठे हो जाओ लोगे अरे वीडियो में वीडियो चालू से देखा रहते हो भाई कैमरा लुक 40 सॉन्ग्स कर रहे हैं बहुत मजा आ रहा है वेरी नाइस बस लास्ट ईयर तो बड़ी कलेक्टिव ड्रेस में था आज आदि के ड्रेस में नहीं लगा ये समर का है भाई सेंटर लुक एपिसोड के कपड़े सेंटर लुक बहुत मजा आ गया थैंक यू भाई थैंक यू जाने कब होगी रिलीज ध्रुव सरजा की फिल्म मार्टिन फिल्म मार्टिन को लेकर हुआ बड़ा अनाउंसमेंट सैंडलवुड अभिनेता ध्रुव सरजा स्टारर कन्नड़ एक्शन थ्रिलर फिल्म मार्टिन सिल्वर स्क्रीन पर हिट होने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये फिल्म एपी अर्जुन के निर्देशन में बनी है। कहानी अर्जुन सरजा ने लिखी है। ये आगामी फिल्म घोषणा के बाद से ही सुर्खियां बटोर रही है। दर्शक उत्सुकता से आगे के अपडेट का इंतजार कर रहे थे। बहुप्रतीक्षित फिल्म के बारे में हालिया रिपोर्ट अब वायरल है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्टिन की डबिंग का काम पूरा हो चुका है। एपी अर्जुन ने एक्स पर एक फोटो के साथ ये खबर शेयर की। डबिंग पूरी तरह से पूरी हो गई है, जल्द ही अपडेट। उन्होंने कैप्शन में लिखा, उन्होंने डबिंग स्टूडियो में ध्रुव सरजा के साथ अपनी एक तस्वीर संलग्न की है। कहा जा रहा है कि एपी अर्जुन जल्द ही रिलीज डेट की आधिकारिक घोषणा करेंगे। रिपोर्ट से पता चलता है कि फिल्म को अपनी शूटिंग पूरी करने में 240 दिन लगे हैं। फिल्म का एक गाना कश्मीर में शूट किया गया था। हाल ही में न्यूज 18 कन्नड़ डिजिटल से बातचीत में एपी अर्जुन ने कहा कि फिल्म की रिलीज डेट जल्द से जल्द बताई जाएगी। उन्होंने अपनी फिल्म का ज्यादातर काम पहले ही पूरा कर लिया है, जिससे उत्सुकता और बढ़ गई है। उन्होंने आगे ये भी बताया कि ध्रुव सरजा ने फिल्म में शानदार एक्शन किया है। इससे पहले कथित तौर पर फिल्म के एक विशेष गाने के लिए हैदराबाद में एक बहुत ही महंगा सेट बनाया गया था, जिसमे ध्रुव सरजा और जॉर्जिया एड्रियानी ने अभिनय किया था। गाने की कोरियोग्राफी इमरान सरदारिया ने की थी। इस असाधारण डांस नंबर को फिल्म का मुख्य आकर्षण माना जा रहा है। संगीत मनीष शर्मा द्वारा रचित है, जबकि प्रमोद मरवंते ने इस विशेष संख्या के लिए गीत प्रदान किए हैं। ये भी बताया गया है कि मार्टिन के विशेष गीत में 350 विदेशी नर्तक होंगे, जो ट्रैक को एक अंतर्राष्ट्रीय अनुभव देंगे। ऐसा कहा जाता है कि गाने के निर्माण में लगभग
3.5 करोड़ रुपए की लागत आई थी। सूत्रों के मुताबिक गाने की शूटिंग करीब 10 दिनों में पूरी हो गई थी। इस गाने की रिहर्सल के लिए केवल 5 दिन की जरूरत थी। कुल मिलाकर मार्टिन में कुल 4 गाने होंगे। उदय के मेहता द्वारा निर्मित मार्टिन में ध्रुव सरजा मुख्य भूमिकाओं में है। साथ ही वैभवी शांडिलिया, अन्वेषी जैन और सुकृता बागले, अच्युत कुमार और निकेतन धीर भी प्रमुख भूमिकाओं में है। कहा जाता है कि कहानी अर्जुन के इर्द गिर्द घूमती है, जिसकी यात्रा उसे अपनी वास्तविक पहचान की खोज करने और काले बाजार के डीलरों के खिलाफ लड़ने के लिए पाकिस्तान से भारत ले जाती है, जो देश में बड़े हमलों को अंजाम देने के लिए आतंकवादियों से जुड़े हुए है। जबरदस्त एक्शन है फिल्म मार्टिन। फिल्म को लेकर लगाए गए बड़े दावे, जाने पूरा रिव्यू। साउथ सिनेमा की एक और बड़ी फिल्म का टीजर रिलीज कर दिया गया है। जी हां, कन्नड़ इंडस्ट्री की पैन इंडिया फिल्म मार्टिन, जो कि एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म है, जिसका शानदार टीजर हिंदी में रिलीज कर दिया है। टीजर इतना धमाकेदार है कि देखने के बाद ही ये तय है हो गया है कि जब ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी, तब ये फिल्म कई रिकॉर्ड अपने नाम करेंगी। कन्नड़ इंडस्ट्री की इससे पहले ब्लॉकबस्टर फिल्में केजीएफ 2 और कांतारा पिछले साल इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया था। इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बनाए थे और अब इनकी फिल्म मार्टिन का टीजर रिलीज भी कर दिया गया है। टीजर इतना धमाकेदार है कि जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी, तो इस फिल्म कई रिकॉर्ड अपने नाम करेंगी। आपको बता दें कि एपी अर्जुन के डायरेक्शन में बनने वाली मार्टिन एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म है, जिसके लीड में आपको ध्रुव सरजा, वैभवी शालडिंगले और अन्वेषी जैन, चिकन्ना मालविका, अविनाश, अयुक्त कुमार, निकेतन धीर, नवाब शाह, रोहित पाठक जैसे बेहतरीन नजर आएंगे। जैसे हिंदी, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ और इंग्लिश भाषाओं में भी रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म का 2:33 का टीजर रिलीज किया गया है। इसमें ध्रुव सरजा का धमाकेदार एक्शन देखने को मिला, अन्वेषी जैन के साथ बेहतरीन केमिस्ट्री देखने को मिली, साथ ही साथ फिल्म के विलेन नाथन जोन्स के साथ धमाकेदार फाइट भी देखने को मिली। एपी अर्जुन, जो कि इससे पहले ध्रुव सरजा के साथ एक और बेहतरीन ब्लॉकबस्टर फिल्म दे चुके हैं, इनके ही डायरेक्शन में बनने वाली मार्टिन एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे कि ऑल ओवर इंडिया में यानी पैन इंडिया रिलीज किया जा रहा है। इस फिल्म की कहानी को लिखा है एक्शन किंग अर्जुन सरजा ने, जिसके लीड में आपको ध्रुव सरजा के अलावा कई सारे बेहतरीन एक्टर भी नजर आने वाले हैं। बता दें कि इस फिल्म के 2:33 के टीजर में आपको हर चीज देखने को मिलने वाली है, जो कि आप एक्शन एंटरटेनर फिल्म से उम्मीद करते हैं। इस फिल्म में एक्शन ड्रामा के अलावा रोमांस भी देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ केजीएफ 2 जैसी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म में अपना म्यूजिक दे चुके रवि बसरूर का म्यूजिक भी इस फिल्म में आपको सुनने को मिलने वाला है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो ध्रुव सरजा की फिल्म मार्टिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ऑडियंस के लिए एक धमाकेदार टीजर लेकर आ चुकी है, जिसका कल धमाकेदार अटेंडेंस बेंगलुरु में एक इवेंट के जरिए रखा गया था। और इस इवेंट में कई सारे सुपरस्टार के अलावा हजारों लोगों ने इस टीजर को एंजॉय किया, और इस टीजर को बड़े पर्दे पर देखने के बाद यही कहा जा सकता है कि ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आग लगाने वाली है, और साथ ही साथ ये फिल्म इंडियन सिनेमा के सभी बड़े रिकॉर्ड इंडियन बॉक्स ऑफिस पर तोड़ने वाली है। आपको बता दें कि इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है उदय के मेहता ने, जिनकी कंपनी वासावी एंटरप्राइजेस ने इस फिल्म के लिए कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। इसी के साथ ये फिल्म इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रॉसर बनने वाली है। आपको बता दें कि कन्नड़ सिनेमा की पिछले साल रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म केजीएफ 2 और कांतारा ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हिस्टोरिकल कलेक्शन किया था। बता दें कि इन फिल्मों का बजट कम होने के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर एक बेहतरीन कलेक्शन किया था। प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म, जिसके लीड में आपको सुपरस्टार यश, संजय दत्त, रवीना टंडन नजर आए थे। मात्र 100 करोड़ रुपए के बजट में बनने वाली फिल्म, जिसका कुल कलेक्शन दुनिया भर में लगभग 1200 से 1250 करोड़ रुपए का रहा था। तो वही कांतारा फिल्म, जिसके लीड में आपको ऋषभ शेट्टी नजर आए थे, इस फिल्म का बजट बेहद ही कम था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक कमाई की।
इस फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन 410.90 करोड़ रुपए दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर रहा था। जाने कब होगी रिलीज ध्रुव सरजा की फिल्म मार्टिन। फिल्म मार्टिन को लेकर हुआ बड़ा अनाउंसमेंट। सैंडलवुड अभिनेता ध्रुव सरजा स्टारर कन्नड़ एक्शन थ्रिलर फिल्म मार्टिन सिल्वर स्क्रीन पर हिट होने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये फिल्म एपी अर्जुन के निर्देशन में बनी है। कहानी अर्जुन सरजा ने लिखी है। ये आगामी फिल्म घोषणा के बाद से ही सुर्खियां बटोर रही है। दर्शक उत्सुकता से आगे के अपडेट का इंतजार कर रहे थे। बहुप्रतीक्षित फिल्म के बारे में हालिया रिपोर्ट अब वायरल है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्टिन की डबिंग का काम पूरा हो चुका है। एपी अर्जुन ने एक्स पर एक फोटो के साथ ये खबर शेयर की। डबिंग पूरी तरह से पूरी हो गई है, जल्द ही अपडेट। उन्होंने कैप्शन में लिखा, उन्होंने डबिंग स्टूडियो में ध्रुव सरजा के साथ अपनी एक तस्वीर संलग्न की है। कहा जा रहा है कि एपी अर्जुन जल्द ही रिलीज डेट की आधिकारिक घोषणा करेंगे। रिपोर्ट से पता चलता है कि फिल्म को अपनी शूटिंग पूरी करने में 240 दिन लगे हैं। फिल्म का एक गाना कश्मीर में शूट किया गया था। हाल ही में न्यूज 18 कन्नड़ डिजिटल से बातचीत में एपी अर्जुन ने कहा कि फिल्म की रिलीज डेट जल्द से जल्द बताई जाएगी। उन्होंने अपनी फिल्म का ज्यादातर काम पहले ही पूरा कर लिया है, जिससे उत्सुकता और बढ़ गई है। उन्होंने आगे ये भी बताया कि ध्रुव सरजा ने फिल्म में शानदार एक्शन किया है। इससे पहले कथित तौर पर फिल्म के एक विशेष गाने के लिए हैदराबाद में एक बहुत ही महंगा सेट बनाया गया था, जिसमे ध्रुव सरजा और जॉर्जिया एड्रियानी ने अभिनय किया था। गाने की कोरियोग्राफी इमरान सरदारिया ने की थी। इस असाधारण डांस नंबर को फिल्म का मुख्य आकर्षण माना जा रहा है। संगीत मनीष शर्मा द्वारा रचित है, जबकि प्रमोद मरवंते ने इस विशेष संख्या के लिए गीत प्रदान किए हैं। ये भी बताया गया है कि मार्टिन के विशेष गीत में 350 विदेशी नर्तक होंगे, जो ट्रैक को एक अंतर्राष्ट्रीय अनुभव देंगे। ऐसा कहा जाता है कि गाने के निर्माण में लगभग 3.5 करोड़ रुपए की लागत आई थी। सूत्रों के मुताबिक गाने की शूटिंग करीब 10 दिनों में पूरी हो गई थी। इस गाने की रिहर्सल के लिए केवल 5 दिन की जरूरत थी। कुल मिलाकर मार्टिन में कुल 4 गाने होंगे। उदय के मेहता द्वारा निर्मित मार्टिन में ध्रुव सरजा मुख्य भूमिकाओं में है। साथ ही वैभवी शांडिलिया, अन्नेश्वी जैन और सुकृता वागले, अच्युत कुमार और निकेतन धीर भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। कहा जाता है कि कहानी अर्जुन के इर्द गिर्द घूमती है, जिसकी यात्रा उसे अपनी वास्तविक पहचान की खोज करने और काले बाजार के डीलरों के खिलाफ लड़ने के लिए पाकिस्तान से भारत ले जाती है, जो देश में बड़े हमलों को अंजाम देने के लिए आतंकवादियों से जुड़े हुए है। जबरदस्त एक्शन है फिल्म मार्टिन। फिल्म को लेकर लगाए गए बड़े दावे, जाने पूरा रिव्यू। साउथ सिनेमा की एक और बड़ी फिल्म का टीजर रिलीज कर दिया गया है। जी हां, कन्नड़ इंडस्ट्री की पैन इंडिया फिल्म मार्टिन, जो कि एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म है, जिसका शानदार टीजर हिंदी में रिलीज कर दिया है। टीजर इतना धमाकेदार है कि देखने के बाद ही ये तय है हो गया है कि जब ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी, तब ये फिल्म कई रिकॉर्ड अपने नाम करेंगी। कन्नड़ इंडस्ट्री की इससे पहले ब्लॉकबस्टर फिल्में केजीएफ 2 और कांतारा पिछले साल इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया था। इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बनाए थे और अब इनकी फिल्म मार्टिन का टीजर रिलीज भी कर दिया गया है। टीजर इतना धमाकेदार है कि जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी, तो इस फिल्म कई रिकॉर्ड अपने नाम करेंगी। आपको बता दें कि एपी अर्जुन के डायरेक्शन में बनने वाली मार्टिन एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म है, जिसके लीड में आपको ध्रुव सरजा, वैभवी शालडिंगले और अन्वेषी जैन, चिकन्ना मालविका, अविनाश, अयुक्त कुमार, निकेतन धीर, नवाब शाह, रोहित पाठक जैसे बेहतरीन नजर आएंगे। जैसे हिंदी, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ और इंग्लिश भाषाओं में भी रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म का 2:33 सेकंड का टीजर रिलीज किया गया है। इसमें ध्रुव सरजा का धमाकेदार एक्शन देखने को मिला, अन्वेषी जैन के साथ बेहतरीन केमिस्ट्री देखने को मिली, साथ ही साथ फिल्म के विलेन नाथन जोन्स के साथ धमाकेदार फाइट भी देखने को मिली। एपी अर्जुन, जो कि इससे पहले ध्रुव सरजा के साथ एक और बेहतरीन ब्लॉकबस्टर फिल्म दे चुके हैं, इनके ही डायरेक्शन में बनने वाली मार्टिन एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे कि ऑल ओवर इंडिया में यानी पैन इंडिया रिलीज किया जा रहा है। इस फिल्म की कहानी को लिखा है एक्शन किंग अर्जुन सरजा ने, जिसके लीड में आपको ध्रुव सरजा के अलावा कई सारे बेहतरीन एक्टर भी नजर आने वाले हैं। बता दें कि इस फिल्म के 2:33 सेकंड के टीजर में आपको हर
चीज देखने को मिलने वाली है जो कि आप एक्शन एंटरटेनर फिल्म से उम्मीद करते हैं। इस फिल्म में एक्शन ड्रामा के अलावा रोमांस भी देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ KGF 2 जैसी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म में अपना म्यूजिक दे चुके रवि बसरूर का म्यूजिक भी इस फिल्म में आपको सुनने को मिलने वाला है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो ध्रुव सजा की फिल्म मार्टिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ऑडियंस के लिए एक धमाकेदार टीजर लेकर आ चुकी है, जिसका कल धमाकेदार अटेंडेंस बेंगलुरु में एक इवेंट के जरिए रखा गया था। और इस इवेंट में कई सारे सुपरस्टार के अलावा हजारों लोगों ने इस टीजर को एंजॉय किया और इस टीजर को बड़े पर्दे पर देखने के बाद यही कहा जा सकता है कि ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आग लगाने वाली है। और साथ ही साथ ये फिल्म इंडियन सिनेमा के सभी बड़े रिकॉर्ड इंडियन बॉक्स ऑफिस पर तोड़ने वाली है। आपको बता दें कि इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है उदय के मेहता ने, जिनकी कंपनी वासावी एंटरप्राइजेस ने इस फिल्म के लिए कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। इसी के साथ ये फिल्म इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रॉसर बनने वाली है। आपको बता दें कि कन्नड़ सिनेमा के पिछले साल रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म KGF 2 और कंतारा ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हिस्टोरिकल कलेक्शन किया था। बता दें कि इन फिल्मों का बजट कम होने के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर एक बेहतरीन कलेक्शन किया था। प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म, जिसके लीड में आपको सुपरस्टार यश, संजय दत्त, रवीना टंडन नजर आए थे। मात्र 100 करोड़ रुपए के बजट में बनने वाली फिल्म, जिसका कुल कलेक्शन दुनिया भर में लगभग 1200 से 1250 करोड़ रुपए का रहा था। तो वही कांतारा फिल्म, जिसके लीड में आपको ऋषभ शेट्टी नजर आए थे, इस फिल्म का बजट बेहद ही कम था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक कमाई की। इस फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन 410.90 करोड़ रुपए दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर रहा था। जाने कब होगी रिलीज ध्रुव सरजा की फिल्म मार्टिन। फिल्म मार्टिन को लेकर हुआ बड़ा अनाउंसमेंट। सैंडलवुड अभिनेता ध्रुव सरजा स्टारर कन्नड़ एक्शन थ्रिलर फिल्म मार्टिन सिल्वर स्क्रीन पर हिट होने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये फिल्म AP अर्जुन के निर्देशन में बनी है। कहानी अर्जुन सरजा ने लिखी है। ये आगामी फिल्म घोषणा के बाद से ही सुर्खियां बटोर रही है। दर्शक उत्सुकता से आगे के अपडेट का इंतजार कर रहे थे। बहुप्रतीक्षित फिल्म के बारे में हालिया रिपोर्ट अब वायरल है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्टिन की डबिंग का काम पूरा हो चुका है। AP अर्जुन ने एक्स पर एक फोटो के साथ ये खबर शेयर की। डबिंग पूरी तरह से पूरी हो गई है, जल्द ही अपडेट, उन्होंने कैप्शन में लिखा। उन्होंने डबिंग स्टूडियो में ध्रुव सरजा के साथ अपनी एक तस्वीर संलग्न की है। कहा जा रहा है कि AP अर्जुन जल्द ही रिलीज डेट की आधिकारिक घोषणा करेंगे। रिपोर्ट से पता चलता है कि फिल्म को अपनी शूटिंग पूरी करने में 240 दिन लगे हैं। फिल्म का एक गाना कश्मीर में शूट किया गया था। हाल ही में न्यूज 18 कन्नड़ डिजिटल से बातचीत में AP अर्जुन ने कहा कि फिल्म की रिलीज डेट जल्द से जल्द बताई जाएगी। उन्होंने अपनी फिल्म का ज्यादातर काम पहले ही पूरा कर लिया है, जिससे उत्सुकता और बढ़ गई है। उन्होंने आगे ये भी बताया कि ध्रुव सरजा ने फिल्म में शानदार एक्शन किया है। इससे पहले कथित तौर पर फिल्म के एक विशेष गाने के लिए हैदराबाद में एक बहुत ही महंगा सेट बनाया गया था, जिसमे ध्रुव सरजा और जॉर्जिया एड्रियानी ने अभिनय किया था। गाने की कोरियोग्राफी इमरान सरदारिया ने की थी। इस असाधारण डांस नंबर को फिल्म का मुख्य आकर्षण माना जा रहा है। संगीत मनीष शर्मा द्वारा रचित है, जबकि प्रमोद मरवंते ने इस विशेष संख्या के लिए गीत प्रदान किए हैं। ये भी बताया गया है कि मार्टिन के विशेष गीत में 350 विदेशी नर्तक होंगे, जो ट्रैक को एक अंतर्राष्ट्रीय अनुभव देंगे। ऐसा कहा जाता है कि गाने के निर्माण में लगभग 3.5 करोड़ रुपए की लागत आई थी। सूत्रों के मुताबिक गाने की शूटिंग करीब 10 दिनों में पूरी हो गई थी। इस गाने की रिहर्सल के लिए केवल 5 दिन की जरूरत थी। कुल मिलाकर मार्टिन में कुल 4 गाने होंगे। उदय के मेहता द्वारा निर्मित मार्टिन में ध्रुव सरजा मुख्य भूमिकाओं में है। साथ ही वैभवी शांडिलिया, अन्नेश्वी जैन और सुकृता बागले, अच्युत कुमार और निकेतन धीर भी प्रमुख भूमिकाओं में है। कहा जाता है कि कहानी अर्जुन के इर्द गिर्द घूमती है, जिसकी यात्रा उसे अपनी वास्तविक पहचान की खोज करने और काले बाजार के डीलरों के खिलाफ लड़ने के लिए पाकिस्तान से भारत ले जाती है, जो देश में बड़े हमलों को अंजाम देने के लिए आतंकवादियों से जुड़े हुए है। जबरदस्त एक्शन है फिल्म मार्टिन। फिल्म को लेकर लगाए गए बड़े दावे, जाने पूरा रिव्यू।
साउथ सिनेमा की एक और बड़ी फिल्म का टीजर रिलीज कर दिया गया है। जी हाँ, कन्नड़ इंडस्ट्री की पैन इंडिया फिल्म मार्टिन, जो कि एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म है, जिसका शानदार टीजर हिंदी में रिलीज कर दिया है। टीजर इतना धमाकेदार है कि देखने के बाद ही ये तय है हो गया है कि जब ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी तब ये फिल्म कई रिकॉर्ड्स अपने नाम करेंगी। कन्नड़ इंडस्ट्री की इससे पहले ब्लॉकबस्टर फिल्में केजीएफ 2 और कांतारा पिछले साल इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया था। इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर नए नए रिकॉर्ड बनाए थे और अब इनकी फिल्म मार्टिन का टीजर रिलीज भी कर दिया गया है। टीजर इतना धमाकेदार है कि जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी तो इस फिल्म कई रिकॉर्ड अपने नाम करेंगी। आपको बता दें कि ए पी अर्जुन के डायरेक्शन में बनने वाली मार्टिन एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म है, जिसके लीड में आपको ध्रुव सरजा, वैभवी शालिंगले और अन्वेषी जैन, चिकन्ना मालविका, अविनाश, अयुक्त कुमार, निकेतन धीर, नवाब शाह, रोहित पाठक जैसे बेहतरीन नजर आएंगे। जैसे हिंदी, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ और इंग्लिश भाषाओं में भी रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म का 2 मिनट 33 सेकंड का टीजर रिलीज किया गया है। इसमें ध्रुव सरजा का धमाकेदार एक्शन देखने को मिला, अन्वेषी जैन के साथ बेहतरीन केमिस्ट्री देखने को मिली, साथ ही साथ फिल्म के विलेन नाथन जोन्स के साथ धमाकेदार फाइट भी देखने को मिली। एपी अर्जुन, जो कि इससे पहले ध्रुव सरजा के साथ एक और बेहतरीन ब्लॉकबस्टर फिल्म दे चुके हैं, इनके ही डायरेक्शन में बनने वाली मार्टिन एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे कि ऑल ओवर इंडिया में यानी पैन इंडिया रिलीज किया जा रहा है। इस फिल्म की कहानी को लिखा है एक्शन किंग अर्जुन सरजा ने, जिसके लीड में आपको ध्रुव सरजा के अलावा कई सारे बेहतरीन एक्टर भी नजर आने वाले हैं। बता दें कि इस फिल्म के 2 मिनट 33 सेकंड के टीजर में आपको हर चीज देखने को मिलने वाली है, जो कि आप एक्शन एंटरटेनर फिल्म से उम्मीद करते हैं। इस फिल्म में एक्शन ड्रामा के अलावा रोमांस भी देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ केजीएफ 2 जैसी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म में अपना म्यूजिक दे चुके रवि बसरूर का म्यूजिक भी इस फिल्म में आपको सुनने को मिलने वाला है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो ध्रुव सरजा की फिल्म मार्टिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ऑडियंस के लिए एक धमाकेदार टीजर लेकर आ चुकी है, जिसका कल धमाकेदार अटेंडेंस बेंगलुरु में एक इवेंट के जरिए रखा गया था और इस इवेंट में कई सारे सुपरस्टार के अलावा हजारों लोगों ने इस टीजर को एंजॉय किया और इस टीजर को बड़े पर्दे पर देखने के बाद यही कहा जा सकता है कि ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आग लगाने वाली है और साथ ही साथ ये फिल्म इंडियन सिनेमा के सभी बड़े रिकॉर्ड इंडियन बॉक्स ऑफिस पर तोड़ने वाली है। आपको बता दें कि इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है उदय के मेहता ने, जिनकी कंपनी वासावी एंटरप्राइजेस ने इस फिल्म के लिए कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। इसी के साथ ये फिल्म इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रॉसर बनने वाली है। आपको बता दें कि कन्नड़ सिनेमा की पिछले साल रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म केजीएफ 2 और कांतारा ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हिस्टोरिकल कलेक्शन किया था। बता दें कि इन फिल्मों का बजट कम होने के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर एक बेहतरीन कलेक्शन किया था। प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म, जिसके लीड में आपको सुपरस्टार यश, संजय दत्त, रवीना टंडन नजर आए थे। मात्र 100 करोड़ रुपए के बजट में बनने वाली फिल्म, जिसका कुल कलेक्शन दुनिया भर में लगभग 1200 से 1250 करोड़ रुपए का रहा था। तो वही कांतारा फिल्म, जिसके लीड में आपको ऋषभ शेट्टी नजर आए थे, इस फिल्म का बजट बेहद ही कम था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक कमाई की। इस फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन 410.90 करोड़ रुपए दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर रहा था। शुभ्रा जी, मैडम थोड़ा साइड हो जाओ। हेलो, क्या बात है? मैं रुक जाए ना, वेट 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 कैसे हो? यहाँ पे कुकू, यहाँ पे। अरे नाइस गॉगल है। थैंक यू। कहाँ से लेते हो? कहाँ से हो? गॉगल हमेशा आपका यूनिक रहता है, हमेशा वो पसंद है। यूनिक एकदम अलग। नाम लो क्या? हाय गुगु, बाय बाय। देखिए
भाई मैडम थामा ना मुरला जी हट ना आओ हो आराम पीछा पीछा मुरला जी रुना मैडम हम लोग के लिए रुके ना एक सेकंड हाँ रुके ना अब आज फ्लावर्स आज स्पेशल है कुछ हाँ इसके लिए स्पेशल है ओह नाइस लुकिंग वेरी नाइस चल चल इधर इधर ही आई अरे इधर रहना है अगेंस्ट लाइट अगेंस्ट लाइट अगेंस्ट लाइट क्या करेगा अभी आइए आइए मैडम आइए बाय तांबा 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 मैडम मुनाल जी थैंक यू सो मच थैंक यू बाय थैंक यू हैप्पी फ्लावर डे बाय कैसे हो भाई भाई रुको ना यहाँ पे भाई रुको फोटो करते वेट 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 यहाँ पे देखो मुनव्वर भाई यहाँ पे मुनव्वर एकदम सामने मुनव्वर एकदम सामने भाई यहाँ पे साइड शुक्रिया आइए आइए मुनव्वर क्या बात है आइए भाई क्या बंगाली का राजा क्या बात है राजा है राजा अच्छा सर थैंक यू नींद पूरी नहीं आज नींद कभी नहीं होती क्या बात है अरे भाई पीछे देखो एक बार हाँ नाइस चलो 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 अजी फोटो कर लेते हैं देख बोलना सब लोग अरे सर रुके ना सर रुके अजी एक सेकंड थैंक यू सो मच क्या बात है तारा पाजी क्या बात है नाइस ऑलवेज हमारे हमारे दिल में एकदम आगे बगाना अरे यार भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ भाई भाई यहां पे भाई रुको यहां पे एक उधर कर दे ना क्या कर रहे हो अरे मैं महेश अड्डा अरे सादा उधर कर सकना भाई ये सादा क्या कर रहा है सुना कर अरे क्या बात है वेट 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 क्या ये हाथ में क्या है अरे क्या बोला इनका चप्पल हमेशा क्या बात है क्या ध्यान रखिए अपना बढ़िया बढ़िया ध्यान रखिए अपना क्या बात है एक बार साथ में यहाँ पे देखो ना ऋचा जी एक बार हाँ यहाँ पे क्या बात है जाने जाने दो
अर्जुन भाई। जाने कब होगी रिलीज ध्रुव सरजा की फिल्म मार्टिन। फिल्म मार्टिन को लेकर हुआ बड़ा अनाउंसमेंट। सैंडलवुड अभिनेता ध्रुव सरजा स्टारर कन्नड़ एक्शन थ्रिलर फिल्म मार्टिन सिल्वर स्क्रीन पर हिट होने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये फिल्म एपी अर्जुन के निर्देशन में बनी है। कहानी अर्जुन सरजा ने लिखी है। ये आगामी फिल्म घोषणा के बाद से ही सुर्खियां बटोर रही है। दर्शक उत्सुकता से आगे के अपडेट का इंतजार कर रहे थे। बहुप्रतीक्षित फिल्म के बारे में हालिया रिपोर्ट अब वायरल है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्टिन की डबिंग का काम पूरा हो चुका है। एपी अर्जुन ने एक्स पर एक फोटो के साथ ये खबर शेयर की। डबिंग पूरी तरह से पूरी हो गई है, जल्द ही अपडेट, उन्होंने कैप्शन में लिखा। उन्होंने डबिंग स्टूडियो में ध्रुव सरजा के साथ अपनी एक तस्वीर संलग्न की है। कहा जा रहा है कि एपी अर्जुन जल्द ही रिलीज डेट की आधिकारिक घोषणा करेंगे। रिपोर्ट से पता चलता है कि फिल्म को अपनी शूटिंग पूरी करने में 240 दिन लगे हैं। फिल्म का एक गाना कश्मीर में शूट किया गया था। हाल ही में न्यूज 18 कन्नड़ डिजिटल से बातचीत में एपी अर्जुन ने कहा कि फिल्म की रिलीज डेट जल्द से जल्द बताई जाएगी। उन्होंने अपनी फिल्म का ज्यादातर काम पहले ही पूरा कर लिया है, जिससे उत्सुकता और बढ़ गई है। उन्होंने आगे ये भी बताया कि ध्रुव सरजा ने फिल्म में शानदार एक्शन किया है। इससे पहले कथित तौर पर फिल्म के एक विशेष गाने के लिए हैदराबाद में एक बहुत ही महंगा सेट बनाया गया था, जिसमें ध्रुव सरजा और जॉर्जिया एड्रियानी ने अभिनय किया था। गाने की कोरियोग्राफी इमरान सरदारिया ने की थी। इस असाधारण डांस नंबर को फिल्म का मुख्य आकर्षण माना जा रहा है। संगीत मनीष शर्मा द्वारा रचित है, जबकि प्रमोद मरवंते ने इस विशेष संख्या के लिए गीत प्रदान किए हैं। ये भी बताया गया है कि मार्टिन के विशेष गीत में 350 विदेशी नर्तक होंगे, जो ट्रैक को एक अंतर्राष्ट्रीय अनुभव देंगे। ऐसा कहा जाता है कि गाने के निर्माण में लगभग 3.5 करोड़ रुपए की लागत आई थी। सूत्रों के मुताबिक गाने की शूटिंग करीब 10 दिनों में पूरी हो गई थी। इस गाने की रिहर्सल के लिए केवल 5 दिन की जरूरत थी। कुल मिलाकर मार्टिन में कुल 4 गाने होंगे। उदय के मेहता द्वारा निर्मित मार्टिन में ध्रुव सरजा मुख्य भूमिकाओं में है। साथ ही वैभवी शांडिलिया, अन्नेश्वी जैन और सुकृता वागले, अच्युत कुमार और निकेतन धीर भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। कहा जाता है कि कहानी अर्जुन के इर्द गिर्द घूमती है, जिसकी यात्रा उसे अपनी वास्तविक पहचान की खोज करने और काले बाजार के डीलरों के खिलाफ लड़ने के लिए पाकिस्तान से भारत ले जाती है, जो देश में बड़े हमलों को अंजाम देने के लिए आतंकवादियों से जुड़े हुए है। जबरदस्त एक्शन है फिल्म मार्टिन। फिल्म को लेकर लगाए गए बड़े दावे, जाने पूरा रिव्यू। साउथ सिनेमा की एक और बड़ी फिल्म का टीजर रिलीज कर दिया गया है। जी हां, कन्नड़ इंडस्ट्री की पैन इंडिया फिल्म मार्टिन, जो कि एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म है, जिसका शानदार टीजर हिंदी में रिलीज कर दिया है। टीजर इतना धमाकेदार है कि देखने के बाद ही ये तय है हो गया है कि जब ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी, तब ये फिल्म कई रिकॉर्ड अपने नाम करेंगी। कन्नड़ इंडस्ट्री की इससे पहले ब्लॉकबस्टर फिल्में केजीएफ 2 और कांतारा पिछले साल इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया था। इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर नए नए रिकॉर्ड बनाए थे और अब इनकी फिल्म मार्टिन का टीजर रिलीज भी कर दिया गया है। टीजर इतना धमाकेदार है कि जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी, तो इस फिल्म कई रिकॉर्ड अपने नाम करेंगी। आपको बता दें कि एपी अर्जुन के डायरेक्शन में बनने वाली मार्टिन एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म है, जिसके लीड में आपको ध्रुव सरजा, वैभवी शालडिंगले और अन्वेषी जैन, चिकन्ना मालविका, अविनाश, अयुक्त कुमार, निकेतन धीर, नवाब शाह, रोहित पाठक जैसे बेहतरीन नजर आएंगे। जैसे हिंदी, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ और इंग्लिश भाषाओं में भी रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म का 2:33 का टीजर रिलीज किया गया है। इसमें ध्रुव सरजा का धमाकेदार एक्शन देखने को मिला, अन्वेषी जैन के साथ बेहतरीन केमिस्ट्री देखने को मिली, साथ ही साथ फिल्म के विलेन नाथन जोन्स के साथ धमाकेदार फाइट भी देखने को मिली। एपी अर्जुन, जो कि इससे पहले ध्रुव सरजा के साथ एक और बेहतरीन ब्लॉकबस्टर फिल्म दे चुके हैं, इनके ही डायरेक्शन में बनने वाली मार्टिन एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे कि ऑल ओवर इंडिया में यानी पैन इंडिया रिलीज किया जा रहा है। इस फिल्म की कहानी को लिखा है एक्शन किंग अर्जुन सरजा ने, जिसके लीड में आपको ध्रुव सरजा के अलावा कई सारे बेहतरीन एक्टर भी नजर आने वाले हैं। बता दें कि इस फिल्म के 2:33 के टीजर में आपको हर
चीज देखने को मिलने वाली है जो कि आप एक्शन एंटरटेनर फिल्म से उम्मीद करते हैं। इस फिल्म में एक्शन ड्रामा के अलावा रोमांस भी देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ KGF 2 जैसी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म में अपना म्यूजिक दे चुके रवि बसरूर का म्यूजिक भी इस फिल्म में आपको सुनने को मिलने वाला है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो ध्रुव सजा की फिल्म मार्टिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ऑडियंस के लिए एक धमाकेदार टीजर लेकर आ चुकी है, जिसका कल धमाकेदार अटेंडेंस बेंगलुरु में एक इवेंट के जरिए रखा गया था और इस इवेंट में कई सारे सुपरस्टार के अलावा हजारों लोगों ने इस टीजर को एंजॉय किया और इस टीजर को बड़े पर्दे पर देखने के बाद यही कहा जा सकता है कि ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आग लगाने वाली है और साथ ही साथ ये फिल्म इंडियन सिनेमा के सभी बड़े रिकॉर्ड इंडियन बॉक्स ऑफिस पर तोड़ने वाली है। आपको बता दें कि इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है उदय के मेहता ने, जिनकी कंपनी वासावी एंटरप्राइजेस ने इस फिल्म के लिए कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। इसी के साथ ये फिल्म इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रॉसर बनने वाली है। आपको बता दें कि कन्नड़ सिनेमा के पिछले साल रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म KGF 2 और कंतारा ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हिस्टोरिकल कलेक्शन किया था। बता दें कि इन फिल्मों का बजट कम होने के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर एक बेहतरीन कलेक्शन किया था। प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म, जिसके लीड में आपको सुपरस्टार यश, संजय दत्त, रवीना टंडन नजर आए थे। मात्र 100 करोड़ रुपए के बजट में बनने वाली फिल्म, जिसका कुल कलेक्शन दुनिया भर में लगभग 1200 से 1250 करोड़ रुपए का रहा था। तो वही कांतारा फिल्म, जिसके लीड में आपको ऋषभ शेट्टी नजर आए थे, इस फिल्म का बजट बेहद ही कम था लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक कमाई की। इस फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन 410.90 करोड़ रुपए दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर रहा था। जाने कब होगी रिलीज ध्रुव सरजा की फिल्म मार्टिन। फिल्म मार्टिन को लेकर हुआ बड़ा अनाउंसमेंट। सैंडलवुड अभिनेता ध्रुव सरजा स्टारर कन्नड़ एक्शन थ्रिलर फिल्म मार्टिन सिल्वर स्क्रीन पर हिट होने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये फिल्म AP अर्जुन के निर्देशन में बनी है। कहानी अर्जुन सरजा ने लिखी है। ये आगामी फिल्म घोषणा के बाद से ही सुर्खियां बटोर रही है। दर्शक उत्सुकता से आगे के अपडेट का इंतजार कर रहे थे। बहुप्रतीक्षित फिल्म के बारे में हालिया रिपोर्ट अब वायरल है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्टिन की डबिंग का काम पूरा हो चुका है। AP अर्जुन ने एक्स पर एक फोटो के साथ ये खबर शेयर की। डबिंग पूरी तरह से पूरी हो गई है, जल्द ही अपडेट, उन्होंने कैप्शन में लिखा। उन्होंने डबिंग स्टूडियो में ध्रुव सरजा के साथ अपनी एक तस्वीर संलग्न की है। कहा जा रहा है कि AP अर्जुन जल्द ही रिलीज डेट की आधिकारिक घोषणा करेंगे। रिपोर्ट से पता चलता है कि फिल्म को अपनी शूटिंग पूरी करने में 240 दिन लगे हैं। फिल्म का एक गाना कश्मीर में शूट किया गया था। हाल ही में न्यूज 18 कन्नड़ डिजिटल से बातचीत में AP अर्जुन ने कहा कि फिल्म की रिलीज डेट जल्द से जल्द बताई जाएगी। उन्होंने अपनी फिल्म का ज्यादातर काम पहले ही पूरा कर लिया है, जिससे उत्सुकता और बढ़ गई है। उन्होंने आगे ये भी बताया कि ध्रुव सरजा ने फिल्म में शानदार एक्शन किया है। इससे पहले कथित तौर पर फिल्म के एक विशेष गाने के लिए हैदराबाद में एक बहुत ही महंगा सेट बनाया गया था, जिसमें ध्रुव सरजा और जॉर्जिया एड्रियानी ने अभिनय किया था। गाने की कोरियोग्राफी इमरान सरदारिया ने की थी। इस असाधारण डांस नंबर को फिल्म का मुख्य आकर्षण माना जा रहा है। संगीत मनीष शर्मा द्वारा रचित है, जबकि प्रमोद मरवंते ने इस विशेष संख्या के लिए गीत प्रदान किए हैं। ये भी बताया गया है कि मार्टिन के विशेष गीत में 350 विदेशी नर्तक होंगे, जो ट्रैक को एक अंतर्राष्ट्रीय अनुभव देंगे। ऐसा कहा जाता है कि गाने के निर्माण में लगभग 3.5 करोड़ रुपए की लागत आई थी। सूत्रों के मुताबिक गाने की शूटिंग करीब 10 दिनों में पूरी हो गई थी। इस गाने की रिहर्सल के लिए केवल 5 दिन की जरूरत थी। कुल मिलाकर मार्टिन में कुल 4 गाने होंगे। उदय के मेहता द्वारा निर्मित मार्टिन में ध्रुव सरजा मुख्य भूमिकाओं में है। साथ ही वैभवी शांडिलिया, अन्नेश्वी जैन और सुकृता वागले, अच्युत कुमार और निकेतन धीर भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। कहा जाता है कि कहानी अर्जुन के इर्द गिर्द घूमती है, जिसकी यात्रा उसे अपनी वास्तविक पहचान की खोज करने और काले बाजार के डीलरों के खिलाफ लड़ने के लिए पाकिस्तान से भारत ले जाती है, जो देश में बड़े हमलों को अंजाम देने के लिए आतंकवादियों से जुड़े हुए है। जबरदस्त एक्शन है फिल्म मार्टिन। फिल्म को लेकर लगाए गए बड़े दावे, जाने पूरा रिव्यू।
साउथ सिनेमा की एक और बड़ी फिल्म का टीजर रिलीज कर दिया गया है। जी हां, कन्नड़ इंडस्ट्री की पैन इंडिया फिल्म मार्टिन, जो कि एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म है, जिसका शानदार टीजर हिंदी में रिलीज कर दिया है। टीजर इतना धमाकेदार है कि देखने के बाद ही ये तय है हो गया है कि जब ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी तब ये फिल्म कई रिकॉर्ड्स अपने नाम करेंगी। कन्नड़ इंडस्ट्री की इससे पहले ब्लॉकबस्टर फिल्में केजीएफ 2 और कांतारा पिछले साल इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया था। इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर नए नए रिकॉर्ड बनाए थे और अब इनकी फिल्म मार्टिन का टीजर रिलीज भी कर दिया गया है। टीजर इतना धमाकेदार है कि जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी तो इस फिल्म कई रिकॉर्ड अपने नाम करेंगी। आपको बता दें कि एपी अर्जुन के डायरेक्शन में बनने वाली मार्टिन एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म है, जिसके लीड में आपको ध्रुव सरजा, वैभवी शालिंगले और अन्वेषी जैन, चिकन्ना मालविका, अविनाश, आयुक्त कुमार, निकेतन धीर, नवाब शाह, रोहित पाठक जैसे बेहतरीन नजर आएंगे। जैसे हिंदी, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ और इंग्लिश भाषाओं में भी रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म का 2 मिनट 33 सेकंड का टीजर रिलीज किया गया है। इसमें ध्रुव सरजा का धमाकेदार एक्शन देखने को मिला, अन्वेषी जैन के साथ बेहतरीन केमिस्ट्री देखने को मिली, साथ ही साथ फिल्म के विलेन नाथन जोन्स के साथ धमाकेदार फाइट भी देखने को मिली। एपी अर्जुन, जो कि इससे पहले ध्रुव सरजा के साथ एक और बेहतरीन ब्लॉकबस्टर फिल्म दे चुके हैं, इनके ही डायरेक्शन में बनने वाली मार्टिन एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे कि ऑल ओवर इंडिया में यानी पैन इंडिया रिलीज किया जा रहा है। इस फिल्म की कहानी को लिखा है एक्शन किंग अर्जुन सरजा ने, जिसके लीड में आपको ध्रुव सरजा के अलावा कई सारे बेहतरीन एक्टर भी नजर आने वाले हैं। बता दें कि इस फिल्म के 2 मिनट 33 सेकंड के टीजर में आपको हर चीज देखने को मिलने वाली है, जो कि आप एक्शन एंटरटेनर फिल्म से उम्मीद करते हैं। इस फिल्म में एक्शन ड्रामा के अलावा रोमांस भी देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ केजीएफ 2 जैसी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म में अपना म्यूजिक दे चुके रवि बसरूर का म्यूजिक भी इस फिल्म में आपको सुनने को मिलने वाला है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो ध्रुव सरजा की फिल्म मार्टिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ऑडियंस के लिए एक धमाकेदार टीजर लेकर आ चुकी है, जिसका कल धमाकेदार अटेंडेंस बेंगलुरु में एक इवेंट के जरिए रखा गया था और इस इवेंट में कई सारे सुपरस्टार के अलावा हजारों लोगों ने इस टीजर को एंजॉय किया और इस टीजर को बड़े पर्दे पर देखने के बाद यही कहा जा सकता है कि ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आग लगाने वाली है और साथ ही साथ ये फिल्म इंडियन सिनेमा के सभी बड़े रिकॉर्ड इंडियन बॉक्स ऑफिस पर तोड़ने वाली है। आपको बता दें कि इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है उदय के मेहता ने, जिनकी कंपनी वासावी एंटरप्राइजेस ने इस फिल्म के लिए कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। इसी के साथ ये फिल्म इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रॉसर बनने वाली है। आपको बता दें कि कन्नड़ सिनेमा की पिछले साल रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म केजीएफ 2 और कांतारा ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हिस्टोरिकल कलेक्शन किया था। बता दें कि इन फिल्मों का बजट कम होने के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर एक बेहतरीन कलेक्शन किया था। प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म, जिसके लीड में आपको सुपरस्टार यश, संजय दत्त, रवीना टंडन नजर आए थे। मात्र 100 करोड़ रुपए के बजट में बनने वाली फिल्म, जिसका कुल कलेक्शन दुनिया भर में लगभग 1200 से 1250 करोड़ रुपए का रहा था। तो वही कांतारा फिल्म, जिसके लीड में आपको ऋषभ शेट्टी नजर आए थे, इस फिल्म का बजट बेहद ही कम था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक कमाई की। इस फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन 410.90 करोड़ रुपए दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर रहा था। जाने कब होगी रिलीज ध्रुव सरजा की फिल्म मार्टिन। फिल्म मार्टिन को लेकर हुआ बड़ा अनाउंसमेंट। सैंडलवुड अभिनेता ध्रुव सरजा स्टारर कन्नड़ एक्शन थ्रिलर फिल्म मार्टिन सिल्वर स्क्रीन पर हिट होने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये फिल्म एपी अर्जुन के निर्देशन में बनी है। कहानी अर्जुन सरजा ने लिखी है। ये आगामी फिल्म घोषणा के बाद से ही सुर्खियां बटोर रही है। दर्शक उत्सुकता से आगे के अपडेट का इंतजार कर रहे थे। बहुप्रतीक्षित फिल्म के बारे में हालिया रिपोर्ट अब वायरल है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्टिन की डबिंग का काम पूरा हो चुका है। एपी अर्जुन ने एक्स पर एक फोटो के साथ ये खबर शेयर की। डबिंग पूरी तरह से पूरी हो गई है, जल्द ही अपडेट।
उन्होंने कैप्शन में लिखा, उन्होंने डबिंग स्टूडियो में ध्रुव सजा के साथ अपनी एक तस्वीर संलग्न की है। कहा जा रहा है कि एपी अर्जुन जल्द ही रिलीज डेट की आधिकारिक घोषणा करेंगे। रिपोर्ट से पता चलता है कि फिल्म को अपनी शूटिंग पूरी करने में 240 दिन लगे हैं। फिल्म का एक गाना कश्मीर में शूट किया गया था। हाल ही में न्यूज 18 कन्नड़ डिजिटल से बातचीत में एपी अर्जुन ने कहा कि फिल्म की रिलीज डेट जल्द से जल्द बताई जाएगी। उन्होंने अपनी फिल्म का ज्यादातर काम पहले ही पूरा कर लिया है, जिससे उत्सुकता और बढ़ गई है। उन्होंने आगे ये भी बताया कि ध्रुव सजा ने फिल्म में शानदार एक्शन किया है। इससे पहले कथित तौर पर फिल्म के एक विशेष गाने के लिए हैदराबाद में एक बहुत ही महंगा सेट बनाया गया था, जिसमें ध्रुव सजा और जॉर्जिया एड्रियानी ने अभिनय किया था। गाने की कोरियोग्राफी इमरान सरदारिया ने की थी। इस असाधारण डांस नंबर को फिल्म का मुख्य आकर्षण माना जा रहा है। संगीत मनीष शर्मा द्वारा रचित है, जबकि प्रमोद मरवंते ने इस विशेष संख्या के लिए गीत प्रदान किए हैं। ये भी बताया गया है कि मार्टिन के विशेष गीत में 350 विदेशी नर्तक होंगे, जो ट्रैक को एक अंतर्राष्ट्रीय अनुभव देंगे। ऐसा कहा जाता है कि गाने के निर्माण में लगभग 3.5 करोड़ रुपए की लागत आई थी। सूत्रों के मुताबिक गाने की शूटिंग करीब 10 दिनों में पूरी हो गई थी। इस गाने की रिहर्सल के लिए केवल 5 दिन की जरूरत थी। कुल मिलाकर मार्टिन में कुल 4 गाने होंगे। उदय के मेहता द्वारा निर्मित मार्टिन में ध्रुव सजा मुख्य भूमिकाओं में है। साथ ही वैभवी शांडिलिया, अन्नेश्वी जैन और सुकृता वागले, अच्युत कुमार और निकेतन धीर भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। कहा जाता है कि कहानी अर्जुन के इर्द गिर्द घूमती है, जिसकी यात्रा उसे अपनी वास्तविक पहचान की खोज करने और काले बाजार के डीलरों के खिलाफ लड़ने के लिए पाकिस्तान से भारत ले जाती है, जो देश में बड़े हमलों को अंजाम देने के लिए आतंकवादियों से जुड़े हुए है। जबरदस्त एक्शन है फिल्म मार्टिन। फिल्म को लेकर लगाए गए बड़े दावे, जाने पूरा रिव्यू। साउथ सिनेमा की एक और बड़ी फिल्म का टीजर रिलीज कर दिया गया है। जी हां, कन्नड़ इंडस्ट्री की पैन इंडिया फिल्म मार्टिन, जो कि एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म है, जिसका शानदार टीजर हिंदी में रिलीज कर दिया है। टीजर इतना धमाकेदार है कि देखने के बाद ही ये तय है हो गया है कि जब ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी, तब ये फिल्म कई रिकॉर्ड अपने नाम करेंगी। कन्नड़ इंडस्ट्री की इससे पहले ब्लॉकबस्टर फिल्में केजीएफ 2 और कांतारा पिछले साल इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया था। इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर नए नए रिकॉर्ड बनाए थे और अब इनकी फिल्म मार्टिन का टीजर रिलीज भी कर दिया गया है। टीजर इतना धमाकेदार है कि जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी, तो इस फिल्म कई रिकॉर्ड अपने नाम करेंगी। आपको बता दें कि एपी अर्जुन के डायरेक्शन में बनने वाली मार्टिन एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म है, जिसके लीड में आपको ध्रुव सरजा, वैभवी शालिंगले और अन्वेषी जैन, चिकन्ना मालविका, अविनाश, अयुक्त कुमार, निकेतन धीर, नवाब शाह, रोहित पाठक जैसे बेहतरीन नजर आएंगे। जैसे हिंदी, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ और इंग्लिश भाषाओं में भी रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म का 2:33 का टीजर रिलीज किया गया है। इसमें ध्रुव सरजा का धमाकेदार एक्शन देखने को मिला, अन्वेषी जैन के साथ बेहतरीन केमिस्ट्री देखने को मिली। साथ ही साथ फिल्म के विलेन नाथन जोन्स के साथ धमाकेदार फाइट भी देखने को मिली। एपी अर्जुन, जो कि इससे पहले ध्रुव सरजा के साथ एक और बेहतरीन ब्लॉकबस्टर फिल्म दे चुके हैं, इनके ही डायरेक्शन में बनने वाली मार्टिन एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे कि ऑल ओवर इंडिया में यानी पैन इंडिया रिलीज किया जा रहा है। इस फिल्म की कहानी को लिखा है एक्शन किंग अर्जुन सरजा ने, जिसके लीड में आपको ध्रुव सरजा के अलावा कई सारे बेहतरीन एक्टर भी नजर आने वाले हैं। बता दें कि इस फिल्म के 2:33 के टीजर में आपको हर चीज देखने को मिलने वाली है, जो कि आप एक्शन एंटरटेनर फिल्म से उम्मीद करते हैं। इस फिल्म में एक्शन ड्रामा के अलावा रोमांस भी देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ केजीएफ 2 जैसी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म में अपना म्यूजिक दे चुके रवि बसरूर का म्यूजिक भी इस फिल्म में आपको सुनने को मिलने वाला है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो ध्रुव सजा की फिल्म मार्टिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ऑडियंस के लिए एक धमाकेदार टीजर लेकर आ चुकी है, जिसका कल धमाकेदार अटेंडेंस बेंगलुरु में एक इवेंट के जरिए रखा गया था। और इस इवेंट में कई सारे सुपरस्टार के अलावा हजारों लोगों ने इस टीजर को एंजॉय किया, और इस टीजर को बड़े पर्दे पर देखने के बाद यही कहा जा सकता है कि
ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आग लगाने वाली है और साथ ही साथ ये फिल्म इंडियन सिनेमा के सभी बड़े रिकॉर्ड इंडियन बॉक्स ऑफिस पर तोड़ने वाली है। आपको बता दें कि इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है उदय के मेहता ने, जिनकी कंपनी वासावी एंटरप्राइजेस ने इस फिल्म के लिए कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। इसी के साथ ये फिल्म इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रॉसर बनने वाली है। आपको बता दें कि कन्नड़ सिनेमा के पिछले साल रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म केजीएफ 2 और कंतारा ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हिस्टोरिकल कलेक्शन किया था। बता दें कि इन फिल्मों का बजट कम होने के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर एक बेहतरीन कलेक्शन किया था। प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म, जिसके लीड में आपको सुपरस्टार यश, संजय दत्त, रवीना टंडन नजर आए थे। मात्र 100 करोड़ रुपए के बजट में बनने वाली फिल्म, जिसका कुल कलेक्शन दुनिया भर में लगभग 1200 से 1250 करोड़ रुपए का रहा था। तो वही कांतारा फिल्म, जिसके लीड में आपको ऋषभ शेट्टी नजर आए थे, इस फिल्म का बजट बेहद ही कम था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक कमाई की। इस फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन 410.90 करोड़ रुपए दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर रहा था। भाई रोक ले नहीं चली जाएगी गाड़ी। Yeah.
सर यहाँ पे लेफ्ट में, विजय सर इधर 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 कैटरीना लेफ्ट से सामने एकदम सामने आपके मैडम सामने सामने
आता इकडे
हेलो वी लुक सेंटर समोर समोर थैंक यू अरे यार मैडम मेरे को नहीं मिलेगा कैमरा हिल रहा था मैडम बोले नीचे आ नीचे ले मैडम हेलो भी लुक किया एक दिन नीचे यस अरे किसका मोबाइल है हेलो भी लुक किया खाली बस कौन है मैडम मोबाइल आ रहा है नीचे बैठो सेंटर सेंटर ऑल ऑफ दिस स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड 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 अभी एक अच्छा फोटो है
फॉलो फिलो किया सेंटर सेंटर मध्ये मार्केट सेंटर इकडे लेफ्ट ला बघितलं सेंटर मध्ये हां इकडे Sir,
फर्स्ट मार्क ले लो सेकंड मार्क कुछ नहीं होगा I love you too much. I love you. Vinay. Jabhi kya
गायना एन्जॉय करा लाइफ, एक लाइफ है मस्त में रहे, मजा ले। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। जाने कब होगी रिलीज ध्रुव सरजा की फिल्म मार्टिन। फिल्म मार्टिन को लेकर हुआ बड़ा अनाउंसमेंट। सैंडलवुड अभिनेता ध्रुव सरजा स्टारर कन्नड़ एक्शन थ्रिलर फिल्म मार्टिन सिल्वर स्क्रीन पर हिट होने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये फिल्म एपी अर्जुन के निर्देशन में बनी है। कहानी अर्जुन सरजा ने लिखी है। ये आगामी फिल्म घोषणा के बाद से ही सुर्खियां बटोर रही है। दर्शक उत्सुकता से आगे के अपडेट का इंतजार कर रहे थे। बहुप्रतीक्षित फिल्म के बारे में हालिया रिपोर्ट अब वायरल है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्टिन की डबिंग का काम पूरा हो चुका है। एपी अर्जुन ने एक्स पर एक फोटो के साथ ये खबर शेयर की। डबिंग पूरी तरह से पूरी हो गई है, जल्द ही अपडेट, उन्होंने कैप्शन में लिखा। उन्होंने डबिंग स्टूडियो में ध्रुव सरजा के साथ अपनी एक तस्वीर संलग्न की है। कहा जा रहा है कि एपी अर्जुन जल्द ही रिलीज डेट की आधिकारिक घोषणा करेंगे। रिपोर्ट से पता चलता है कि फिल्म को अपनी शूटिंग पूरी करने में 240 दिन लगे हैं। फिल्म का एक गाना कश्मीर में शूट किया गया था। हाल ही में न्यूज 18 कन्नड़ डिजिटल से बातचीत में एपी अर्जुन ने कहा कि फिल्म की रिलीज डेट जल्द से जल्द बताई जाएगी। उन्होंने अपनी फिल्म का ज्यादातर काम पहले ही पूरा कर लिया है, जिससे उत्सुकता और बढ़ गई है। उन्होंने आगे ये भी बताया कि ध्रुव सरजा ने फिल्म में शानदार एक्शन किया है। इससे पहले कथित तौर पर फिल्म के एक विशेष गाने के लिए हैदराबाद में एक बहुत ही महंगा सेट बनाया गया था, जिसमें ध्रुव सरजा और जॉर्जिया एड्रियानी ने अभिनय किया था। गाने की कोरियोग्राफी इमरान सरदारिया ने की थी। इस असाधारण डांस नंबर को फिल्म का मुख्य आकर्षण माना जा रहा है। संगीत मनीष शर्मा द्वारा रचित है, जबकि प्रमोद मरवंते ने इस विशेष संख्या के लिए गीत प्रदान किए हैं। ये भी बताया गया है कि मार्टिन के विशेष गीत में 350 विदेशी नर्तक होंगे, जो ट्रैक को एक अंतर्राष्ट्रीय अनुभव देंगे। ऐसा कहा जाता है कि गाने के निर्माण में लगभग 3.5 करोड़ रुपए की लागत आई थी। सूत्रों के मुताबिक गाने की शूटिंग करीब 10 दिनों में पूरी हो गई थी। इस गाने की रिहर्सल के लिए केवल 5 दिन की जरूरत थी। कुल मिलाकर मार्टिन में कुल 4 गाने होंगे। उदय के मेहता द्वारा निर्मित मार्टिन में ध्रुव सरजा मुख्य भूमिकाओं में है। साथ ही वैभवी शांडिल्या, अन्नेश्वी जैन और सुकृता वागले, अच्युत कुमार और निकेतन धीर भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। कहा जाता है कि कहानी अर्जुन के इर्द गिर्द घूमती है, जिसकी यात्रा उसे अपनी वास्तविक पहचान की खोज करने और काले बाजार के डीलरों के खिलाफ लड़ने के लिए पाकिस्तान से भारत ले जाती है, जो देश में बड़े हमलों को अंजाम देने के लिए आतंकवादियों से जुड़े हुए है। जबरदस्त एक्शन है फिल्म मार्टिन। फिल्म को लेकर लगाए गए बड़े दावे, जाने पूरा रिव्यू। साउथ सिनेमा की एक और बड़ी फिल्म का टीजर रिलीज कर दिया गया है। जी हां, कन्नड़ इंडस्ट्री की पैन इंडिया फिल्म मार्टिन, जो कि एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म है, जिसका शानदार टीजर हिंदी में रिलीज कर दिया है। टीजर इतना धमाकेदार है कि देखने के बाद ही ये तय है हो गया है कि जब ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी, तब ये फिल्म कई रिकॉर्ड अपने नाम करेंगी। कन्नड़ इंडस्ट्री की इससे पहले ब्लॉकबस्टर फिल्में केजीएफ 2 और कांतारा पिछले साल इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया था। इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर नए नए रिकॉर्ड बनाए थे और अब इनकी फिल्म मार्टिन का टीजर रिलीज भी कर दिया गया है। टीजर इतना धमाकेदार है कि जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी, तो इस फिल्म कई रिकॉर्ड अपने नाम करेंगी। आपको बता दें कि एपी अर्जुन के डायरेक्शन में बनने वाली मार्टिन एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म है, जिसके लीड में आपको ध्रुव सरजा, वैभवी शालडिंगले और अन्वेषी जैन, चिकन्ना मालविका, अविनाश, अयुक्त कुमार, निकेतन धीर, नवाब शाह, रोहित पाठक जैसे बेहतरीन नजर आएंगे। जैसे हिंदी, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ और इंग्लिश भाषाओं में भी रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म का 2:33 का टीजर रिलीज किया गया है। इसमें ध्रुव सरजा का धमाकेदार एक्शन देखने को मिला, अन्वेषी जैन के साथ बेहतरीन केमिस्ट्री देखने को मिली, साथ ही साथ फिल्म के विलेन नाथन जोन्स के साथ धमाकेदार फाइट भी देखने को मिली। एपी अर्जुन, जो कि इससे पहले ध्रुव सरजा के साथ एक और बेहतरीन ब्लॉकबस्टर फिल्म दे चुके हैं, इनके ही डायरेक्शन में बनने वाली मार्टिन एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे कि ऑल ओवर इंडिया में यानी पैन इंडिया रिलीज किया जा रहा है।
इस फिल्म की कहानी को लिखा है एक्शन किंग अर्जुन सरजा ने, जिसके लीड में आपको ध्रुव सरजा के अलावा कई सारे बेहतरीन एक्टर भी नजर आने वाले हैं। बता दें कि इस फिल्म के 2 मिनट 33 सेकंड के टीजर में आपको हर चीज देखने को मिलने वाली है, जो कि आप एक्शन एंटरटेनर फिल्म से उम्मीद करते हैं। इस फिल्म में एक्शन ड्रामा के अलावा रोमांस भी देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ KGF 2 जैसी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म में अपना म्यूजिक दे चुके रवि बसरूर का म्यूजिक भी इस फिल्म में आपको सुनने को मिलने वाला है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो ध्रुव सरजा की फिल्म मार्टिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ऑडियंस के लिए एक धमाकेदार टीजर लेकर आ चुकी है, जिसका कल धमाकेदार अटेंडेंस बेंगलुरु में एक इवेंट के जरिए रखा गया था। और इस इवेंट में कई सारे सुपरस्टार के अलावा हजारों लोगों ने इस टीजर को एंजॉय किया, और इस टीजर को बड़े पर्दे पर देखने के बाद यही कहा जा सकता है कि ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आग लगाने वाली है। और साथ ही साथ ये फिल्म इंडियन सिनेमा के सभी बड़े रिकॉर्ड इंडियन बॉक्स ऑफिस पर तोड़ने वाली है। आपको बता दें कि इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है उदय के मेहता ने, जिनकी कंपनी वासावी एंटरप्राइजेस ने इस फिल्म के लिए कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। इसी के साथ ये फिल्म इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रॉसर बनने वाली है। आपको बता दें कि कन्नड़ सिनेमा की पिछले साल रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म KGF 2 और कंतारा ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हिस्टोरिकल कलेक्शन किया था। बता दें कि इन फिल्मों का बजट कम होने के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर एक बेहतरीन कलेक्शन किया था। प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म, जिसके लीड में आपको सुपरस्टार यश, संजय दत्त, रवीना टंडन नजर आए थे। मात्र 100 करोड़ रुपए के बजट में बनने वाली फिल्म, जिसका कुल कलेक्शन दुनिया भर में लगभग 1200 से 1250 करोड़ रुपए का रहा था। तो वही कांतारा फिल्म, जिसके लीड में आपको ऋषभ शेट्टी नजर आए थे, इस फिल्म का बजट बेहद ही कम था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक कमाई की। इस फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन 410.90 करोड़ रुपए दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर रहा था। जाने कब होगी रिलीज ध्रुव सरजा की फिल्म मार्टिन। फिल्म मार्टिन को लेकर हुआ बड़ा अनाउंसमेंट। सैंडलवुड अभिनेता ध्रुव सरजा स्टारर कन्नड़ एक्शन थ्रिलर फिल्म मार्टिन सिल्वर स्क्रीन पर हिट होने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये फिल्म AP अर्जुन के निर्देशन में बनी है। कहानी अर्जुन सरजा ने लिखी है। ये आगामी फिल्म घोषणा के बाद से ही सुर्खियां बटोर रही है। दर्शक उत्सुकता से आगे के अपडेट का इंतजार कर रहे थे। बहुप्रतीक्षित फिल्म के बारे में हालिया रिपोर्ट अब वायरल है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्टिन की डबिंग का काम पूरा हो चुका है। AP अर्जुन ने एक्स पर एक फोटो के साथ ये खबर शेयर की। डबिंग पूरी तरह से पूरी हो गई है, जल्द ही अपडेट, उन्होंने कैप्शन में लिखा। उन्होंने डबिंग स्टूडियो में ध्रुव सरजा के साथ अपनी एक तस्वीर संलग्न की है। कहा जा रहा है कि AP अर्जुन जल्द ही रिलीज डेट की आधिकारिक घोषणा करेंगे। रिपोर्ट से पता चलता है कि फिल्म को अपनी शूटिंग पूरी करने में 240 दिन लगे हैं। फिल्म का एक गाना कश्मीर में शूट किया गया था। हाल ही में न्यूज 18 कन्नड़ डिजिटल से बातचीत में AP अर्जुन ने कहा कि फिल्म की रिलीज डेट जल्द से जल्द बताई जाएगी। उन्होंने अपनी फिल्म का ज्यादातर काम पहले ही पूरा कर लिया है, जिससे उत्सुकता और बढ़ गई है। उन्होंने आगे ये भी बताया कि ध्रुव सरजा ने फिल्म में शानदार एक्शन किया है। इससे पहले कथित तौर पर फिल्म के एक विशेष गाने के लिए हैदराबाद में एक बहुत ही महंगा सेट बनाया गया था, जिसमें ध्रुव सरजा और जॉर्जिया एड्रियानी ने अभिनय किया था। गाने की कोरियोग्राफी इमरान सरदारिया ने की थी। इस असाधारण डांस नंबर को फिल्म का मुख्य आकर्षण माना जा रहा है। संगीत मनीष शर्मा द्वारा रचित है, जबकि प्रमोद मरवंते ने इस विशेष संख्या के लिए गीत प्रदान किए हैं। ये भी बताया गया है कि मार्टिन के विशेष गीत में 350 विदेशी नर्तक होंगे, जो ट्रैक को एक अंतर्राष्ट्रीय अनुभव देंगे। ऐसा कहा जाता है कि गाने के निर्माण में लगभग 3.5 करोड़ रुपए की लागत आई थी। सूत्रों के मुताबिक गाने की शूटिंग करीब 10 दिनों में पूरी हो गई थी। इस गाने की रिहर्सल के लिए केवल 5 दिन की जरूरत थी। कुल मिलाकर मार्टिन में कुल 4 गाने होंगे। उदय के मेहता द्वारा निर्मित मार्टिन में ध्रुव सरजा मुख्य भूमिकाओं में है। साथ ही वैभवी शांडिलिया, अन्नेश्वी जैन और सुकृता वागले, अच्युत कुमार और निकेतन धीर भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। कहा जाता है कि कहानी अर्जुन के इर्द गिर्द घूमती है, जिसकी यात्रा उसे अपनी वास्तविक पहचान की खोज करने और काले बाजार के डीलरों के खिलाफ लड़ने के लिए पाकिस्तान से भारत ले जाती है, जो देश में बड़े हमलों को अंजाम देने के लिए आतंकवादियों से जुड़े हुए है।
जबरदस्त एक्शन है फिल्म मार्टिन। फिल्म को लेकर लगाए गए बड़े दावे, जाने पूरा रिव्यू। साउथ सिनेमा की एक और बड़ी फिल्म का टीजर रिलीज कर दिया गया है। जी हां, कन्नड़ इंडस्ट्री की पैन इंडिया फिल्म मार्टिन, जो कि एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म है, जिसका शानदार टीजर हिंदी में रिलीज कर दिया है। टीजर इतना धमाकेदार है कि देखने के बाद ही ये तय है हो गया है कि जब ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी तब ये फिल्म कई रिकॉर्ड अपने नाम करेंगी। कन्नड़ इंडस्ट्री की इससे पहले ब्लॉकबस्टर फिल्में केजीएफ 2 और कांतारा पिछले साल इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया था। इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर नए नए रिकॉर्ड बनाए थे और अब इनकी फिल्म मार्टिन का टीजर रिलीज भी कर दिया गया है। टीजर इतना धमाकेदार है कि जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी तो इस फिल्म कई रिकॉर्ड अपने नाम करेंगी। आपको बता दें कि एपी अर्जुन के डायरेक्शन में बनने वाली मार्टिन एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म है, जिसके लीड में आपको ध्रुव सरजा, वैभवी शालिंगले और अन्वेषी जैन, चिकन्ना मालविका, अविनाश, अयुक्त कुमार, निकेतन धीर, नवाब शाह, रोहित पाठक जैसे बेहतरीन नजर आएंगे। जैसे हिंदी, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ और इंग्लिश भाषाओं में भी रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म का 2 मिनट 33 सेकंड का टीजर रिलीज किया गया है। इसमें ध्रुव सरजा का धमाकेदार एक्शन देखने को मिला, अन्वेषी जैन के साथ बेहतरीन केमिस्ट्री देखने को मिली, साथ ही साथ फिल्म के विलेन नाथन जोन्स के साथ धमाकेदार फाइट भी देखने को मिली। एपी अर्जुन, जो कि इससे पहले ध्रुव सरजा के साथ एक और बेहतरीन ब्लॉकबस्टर फिल्म दे चुके हैं, इनके ही डायरेक्शन में बनने वाली मार्टिन एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे कि ऑल ओवर इंडिया में यानी पैन इंडिया रिलीज किया जा रहा है। इस फिल्म की कहानी को लिखा है एक्शन किंग अर्जुन सरजा ने, जिसके लीड में आपको ध्रुव सरजा के अलावा कई सारे बेहतरीन एक्टर भी नजर आने वाले हैं। बता दें कि इस फिल्म के 2 मिनट 33 सेकंड के टीजर में आपको हर चीज देखने को मिलने वाली है, जो कि आप एक्शन एंटरटेनर फिल्म से उम्मीद करते हैं। इस फिल्म में एक्शन ड्रामा के अलावा रोमांस भी देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ केजीएफ 2 जैसी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म में अपना म्यूजिक दे चुके रवि बसरूर का म्यूजिक भी इस फिल्म में आपको सुनने को मिलने वाला है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो ध्रुव सरजा की फिल्म मार्टिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ऑडियंस के लिए एक धमाकेदार टीजर लेकर आ चुकी है, जिसका कल धमाकेदार अटेंडेंस बेंगलुरु में एक इवेंट के जरिए रखा गया था और इस इवेंट में कई सारे सुपरस्टार के अलावा हजारों लोगों ने इस टीजर को एंजॉय किया और इस टीजर को बड़े पर्दे पर देखने के बाद यही कहा जा सकता है कि ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आग लगाने वाली है और साथ ही साथ ये फिल्म इंडियन सिनेमा के सभी बड़े रिकॉर्ड इंडियन बॉक्स ऑफिस पर तोड़ने वाली है। आपको बता दें कि इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है उदय के मेहता ने, जिनकी कंपनी वासावी एंटरप्राइजेस ने इस फिल्म के लिए कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। इसी के साथ ये फिल्म इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रॉसर बनने वाली है। आपको बता दें कि कन्नड़ सिनेमा की पिछले साल रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म केजीएफ 2 और कांतारा ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हिस्टोरिकल कलेक्शन किया था। बता दें कि इन फिल्मों का बजट कम होने के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर एक बेहतरीन कलेक्शन किया था। प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म, जिसके लीड में आपको सुपरस्टार यश, संजय दत्त, रवीना टंडन नजर आए थे। मात्र 100 करोड़ रुपए के बजट में बनने वाली फिल्म, जिसका कुल कलेक्शन दुनिया भर में लगभग 1200 से 1250 करोड़ रुपए का रहा था। तो वही कांतारा फिल्म, जिसके लीड में आपको ऋषभ शेट्टी नजर आए थे, इस फिल्म का बजट बेहद ही कम था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक कमाई की। इस फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन 410.90 करोड़ रुपए दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर रहा था। जाने कब होगी रिलीज ध्रुव सरजा की फिल्म मार्टिन। फिल्म मार्टिन को लेकर हुआ बड़ा अनाउंसमेंट। सैंडलवुड अभिनेता ध्रुव सरजा स्टारर कन्नड़ एक्शन थ्रिलर फिल्म मार्टिन सिल्वर स्क्रीन पर हिट होने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये फिल्म एपी अर्जुन के निर्देशन में बनी है। कहानी अर्जुन सरजा ने लिखी है। ये आगामी फिल्म घोषणा के बाद से ही सुर्खियां बटोर रही है। दर्शक उत्सुकता से आगे के अपडेट का इंतजार कर रहे थे। बहुप्रतीक्षित फिल्म के बारे में हालिया रिपोर्ट अब वायरल है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्टिन की डबिंग का काम पूरा हो चुका है। एपी अर्जुन ने एक्स पर एक फोटो के साथ ये खबर शेयर की। डबिंग पूरी तरह से पूरी हो गई है, जल्द ही अपडेट।
उन्होंने कैप्शन में लिखा, उन्होंने डबिंग स्टूडियो में ध्रुव सजा के साथ अपनी एक तस्वीर संलग्न की है। कहा जा रहा है कि एपी अर्जुन जल्द ही रिलीज डेट की आधिकारिक घोषणा करेंगे। रिपोर्ट से पता चलता है कि फिल्म को अपनी शूटिंग पूरी करने में 240 दिन लगे हैं। फिल्म का एक गाना कश्मीर में शूट किया गया था। हाल ही में न्यूज 18 कन्नड़ डिजिटल से बातचीत में एपी अर्जुन ने कहा कि फिल्म की रिलीज डेट जल्द से जल्द बताई जाएगी। उन्होंने अपनी फिल्म का ज्यादातर काम पहले ही पूरा कर लिया है, जिससे उत्सुकता और बढ़ गई है। उन्होंने आगे ये भी बताया कि ध्रुव सजा ने फिल्म में शानदार एक्शन किया है। इससे पहले कथित तौर पर फिल्म के एक विशेष गाने के लिए हैदराबाद में एक बहुत ही महंगा सेट बनाया गया था, जिसमें ध्रुव सजा और जॉर्जिया एड्रियानी ने अभिनय किया था। गाने की कोरियोग्राफी इमरान सरदारिया ने की थी। इस असाधारण डांस नंबर को फिल्म का मुख्य आकर्षण माना जा रहा है। संगीत मनीष शर्मा द्वारा रचित है, जबकि प्रमोद मरवंते ने इस विशेष संख्या के लिए गीत प्रदान किए हैं। ये भी बताया गया है कि मार्टिन के विशेष गीत में 350 विदेशी नर्तक होंगे, जो ट्रैक को एक अंतर्राष्ट्रीय अनुभव देंगे। ऐसा कहा जाता है कि गाने के निर्माण में लगभग 3.5 करोड़ रुपए की लागत आई थी। सूत्रों के मुताबिक गाने की शूटिंग करीब 10 दिनों में पूरी हो गई थी। इस गाने की रिहर्सल के लिए केवल 5 दिन की जरूरत थी। कुल मिलाकर मार्टिन में कुल 4 गाने होंगे। उदय के मेहता द्वारा निर्मित मार्टिन में ध्रुव सजा मुख्य भूमिकाओं में है। साथ ही वैभवी शांडिलिया, अन्नेश्वी जैन और सुकृता वागले, अच्युत कुमार और निकेतन धीर भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। कहा जाता है कि कहानी अर्जुन के इर्द गिर्द घूमती है, जिसकी यात्रा उसे अपनी वास्तविक पहचान की खोज करने और काले बाजार के डीलरों के खिलाफ लड़ने के लिए पाकिस्तान से भारत ले जाती है, जो देश में बड़े हमलों को अंजाम देने के लिए आतंकवादियों से जुड़े हुए है। जबरदस्त एक्शन है फिल्म मार्टिन। फिल्म को लेकर लगाए गए बड़े दावे, जाने पूरा रिव्यू। साउथ सिनेमा की एक और बड़ी फिल्म का टीजर रिलीज कर दिया गया है। जी हां, कन्नड़ इंडस्ट्री की पैन इंडिया फिल्म मार्टिन, जो कि एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म है, जिसका शानदार टीजर हिंदी में रिलीज कर दिया है। टीजर इतना धमाकेदार है कि देखने के बाद ही ये तय है हो गया है कि जब ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी, तब ये फिल्म कई रिकॉर्ड अपने नाम करेंगी। कन्नड़ इंडस्ट्री की इससे पहले ब्लॉकबस्टर फिल्में केजीएफ 2 और कांतारा पिछले साल इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया था। इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर नए नए रिकॉर्ड बनाए थे और अब इनकी फिल्म मार्टिन का टीजर रिलीज भी कर दिया गया है। टीजर इतना धमाकेदार है कि जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी, तो इस फिल्म कई रिकॉर्ड अपने नाम करेंगी। आपको बता दें कि एपी अर्जुन के डायरेक्शन में बनने वाली मार्टिन एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म है, जिसके लीड में आपको ध्रुव सरजा, वैभवी शालिंगले और अन्वेषी जैन, चिकन्ना मालविका, अविनाश, अयुक्त कुमार, निकेतन धीर, नवाब शाह, रोहित पाठक जैसे बेहतरीन नजर आएंगे। जैसे हिंदी, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ और इंग्लिश भाषाओं में भी रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म का 2:33 का टीजर रिलीज किया गया है। इसमें ध्रुव सजा का धमाकेदार एक्शन देखने को मिला, अन्वेषी जैन के साथ बेहतरीन केमिस्ट्री देखने को मिली, साथ ही साथ फिल्म के विलेन नाथन जोन्स के साथ धमाकेदार फाइट भी देखने को मिली। एपी अर्जुन, जो कि इससे पहले ध्रुव सजा के साथ एक और बेहतरीन ब्लॉकबस्टर फिल्म दे चुके हैं, इनके ही डायरेक्शन में बनने वाली मार्टिन एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे कि ऑल ओवर इंडिया में यानी पैन इंडिया रिलीज किया जा रहा है। इस फिल्म की कहानी को लिखा है एक्शन किंग अर्जुन सरजा ने, जिसके लीड में आपको ध्रुव सरजा के अलावा कई सारे बेहतरीन एक्टर भी नजर आने वाले हैं। बता दें कि इस फिल्म के 2:33 के टीजर में आपको हर चीज देखने को मिलने वाली है, जो कि आप एक्शन एंटरटेनर फिल्म से उम्मीद करते हैं। इस फिल्म में एक्शन ड्रामा के अलावा रोमांस भी देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ केजीएफ 2 जैसी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म में अपना म्यूजिक दे चुके रवि बसरूर का म्यूजिक भी इस फिल्म में आपको सुनने को मिलने वाला है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो ध्रुव सजा की फिल्म मार्टिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ऑडियंस के लिए एक धमाकेदार टीजर लेकर आ चुकी है, जिसका कल धमाकेदार अटेंडेंस बेंगलुरु में एक इवेंट के जरिए रखा गया था। और इस इवेंट में कई सारे सुपरस्टार के अलावा हजारों लोगों ने इस टीजर को एंजॉय किया, और इस टीजर को बड़े पर्दे पर देखने के बाद यही कहा जा सकता है कि
ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आग लगाने वाली है और साथ ही साथ ये फिल्म इंडियन सिनेमा के सभी बड़े रिकॉर्ड इंडियन बॉक्स ऑफिस पर तोड़ने वाली है। आपको बता दें कि इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है उदय के मेहता ने, जिनकी कंपनी वासावी एंटरप्राइजेस ने इस फिल्म के लिए कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। इसी के साथ ये फिल्म इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रॉसर बनने वाली है। आपको बता दें कि कन्नड़ सिनेमा के पिछले साल रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म केजीएफ 2 और कंतारा ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हिस्टोरिकल कलेक्शन किया था। बता दें कि इन फिल्मों का बजट कम होने के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर एक बेहतरीन कलेक्शन किया था। प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म, जिसके लीड में आपको सुपरस्टार यश, संजय दत्त, रवीना टंडन नजर आए थे। मात्र 100 करोड़ रुपए के बजट में बनने वाली फिल्म, जिसका कुल कलेक्शन दुनिया भर में लगभग 1200 से 1250 करोड़ रुपए का रहा था। तो वही कांतारा फिल्म, जिसके लीड में आपको ऋषभ शेट्टी नजर आए थे, इस फिल्म का बजट बेहद ही कम था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक कमाई की। इस फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन 410.90 करोड़ रुपए दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर रहा था। जाने कब होगी रिलीज ध्रुव सरजा की फिल्म मार्टिन। फिल्म मार्टिन को लेकर हुआ बड़ा अनाउंसमेंट। सैंडलवुड अभिनेता ध्रुव सरजा स्टारर कन्नड़ एक्शन थ्रिलर फिल्म मार्टिन सिल्वर स्क्रीन पर हिट होने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये फिल्म एपी अर्जुन के निर्देशन में बनी है। कहानी अर्जुन सरजा ने लिखी है। ये आगामी फिल्म घोषणा के बाद से ही सुर्खियां बटोर रही है। दर्शक उत्सुकता से आगे के अपडेट का इंतजार कर रहे थे। बहुप्रतीक्षित फिल्म के बारे में हालिया रिपोर्ट अब वायरल है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्टिन की डबिंग का काम पूरा हो चुका है। एपी अर्जुन ने एक्स पर एक फोटो के साथ ये खबर शेयर की। डबिंग पूरी तरह से पूरी हो गई है, जल्द ही अपडेट, उन्होंने कैप्शन में लिखा। उन्होंने डबिंग स्टूडियो में ध्रुव सरजा के साथ अपनी एक तस्वीर संलग्न की है। कहा जा रहा है कि एपी अर्जुन जल्द ही रिलीज डेट की आधिकारिक घोषणा करेंगे। रिपोर्ट से पता चलता है कि फिल्म को अपनी शूटिंग पूरी करने में 240 दिन लगे हैं। फिल्म का एक गाना कश्मीर में शूट किया गया था। हाल ही में न्यूज 18 कन्नड़ डिजिटल से बातचीत में एपी अर्जुन ने कहा कि फिल्म की रिलीज डेट जल्द से जल्द बताई जाएगी। उन्होंने अपनी फिल्म का ज्यादातर काम पहले ही पूरा कर लिया है, जिससे उत्सुकता और बढ़ गई है। उन्होंने आगे ये भी बताया कि ध्रुव सरजा ने फिल्म में शानदार एक्शन किया है। इससे पहले कथित तौर पर फिल्म के एक विशेष गाने के लिए हैदराबाद में एक बहुत ही महंगा सेट बनाया गया था, जिसमें ध्रुव सरजा और जॉर्जिया एड्रियानी ने अभिनय किया था। गाने की कोरियोग्राफी इमरान सरदारिया ने की थी। इस असाधारण डांस नंबर को फिल्म का मुख्य आकर्षण माना जा रहा है। संगीत मनीष शर्मा द्वारा रचित है, जबकि प्रमोद मरवंते ने इस विशेष संख्या के लिए गीत प्रदान किए हैं। ये भी बताया गया है कि मार्टिन के विशेष गीत में 350 विदेशी नर्तक होंगे, जो ट्रैक को एक अंतर्राष्ट्रीय अनुभव देंगे। ऐसा कहा जाता है कि गाने के निर्माण में लगभग 3.5 करोड़ रुपए की लागत आई थी। सूत्रों के मुताबिक गाने की शूटिंग करीब 10 दिनों में पूरी हो गई थी। इस गाने की रिहर्सल के लिए केवल 5 दिन की जरूरत थी। कुल मिलाकर मार्टिन में कुल 4 गाने होंगे। उदय के मेहता द्वारा निर्मित मार्टिन में ध्रुव सरजा मुख्य भूमिकाओं में है। साथ ही वैभवी शांडिल्या, अन्नेश्वी जैन और सुकृता वागले, अच्युत कुमार और निकेतन धीर भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। कहा जाता है कि कहानी अर्जुन के इर्द गिर्द घूमती है, जिसकी यात्रा उसे अपनी वास्तविक पहचान की खोज करने और काले बाजार के डीलरों के खिलाफ लड़ने के लिए पाकिस्तान से भारत ले जाती है, जो देश में बड़े हमलों को अंजाम देने के लिए आतंकवादियों से जुड़े हुए है। जबरदस्त एक्शन है फिल्म मार्टिन। फिल्म को लेकर लगाए गए बड़े दावे, जाने पूरा रिव्यू। साउथ सिनेमा की एक और बड़ी फिल्म का टीजर रिलीज कर दिया गया है। जी हां, कन्नड़ इंडस्ट्री की पैन इंडिया फिल्म मार्टिन, जो कि एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म है, जिसका शानदार टीजर हिंदी में रिलीज कर दिया है। टीजर इतना धमाकेदार है कि देखने के बाद ही ये तय है हो गया है कि जब ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी, तब ये फिल्म कई रिकॉर्ड अपने नाम करेंगी। कन्नड़ इंडस्ट्री की इससे पहले ब्लॉकबस्टर फिल्में केजीएफ 2 और कांतारा पिछले साल इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया था। इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर नए नए रिकॉर्ड बनाए थे और अब इनकी फिल्म मार्टिन का टीजर रिलीज भी कर दिया गया है। टीजर इतना धमाकेदार है कि जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी, तो इस फिल्म कई रिकॉर्ड अपने नाम करेंगी।
आपको बता दें कि एपी अर्जुन के डायरेक्शन में बनने वाली मार्टिन एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म है जिसके लीड में आपको ध्रुव सरजा, वैभवी शालिंगले और अन्वेषी जैन, चिकन्ना मालविका, अविनाश, अयुक्त कुमार, निकेतन धीर, नवाब शाह, रोहित पाठक जैसे बेहतरीन नजर आएंगे। जैसे हिंदी, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ और इंग्लिश भाषाओं में भी रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म का 2 मिनट 33 सेकंड का टीजर रिलीज किया गया है। इसमें ध्रुव सरजा का धमाकेदार एक्शन देखने को मिला, अन्वेषी जैन के साथ बेहतरीन केमिस्ट्री देखने को मिली, साथ ही साथ फिल्म के विलेन नाथन जोन्स के साथ धमाकेदार फाइट भी देखने को मिली। एपी अर्जुन जो कि इससे पहले ध्रुव सरजा के साथ एक और बेहतरीन ब्लॉकबस्टर फिल्म दे चुके हैं, इनके ही डायरेक्शन में बनने वाली मार्टिन एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे कि ऑल ओवर इंडिया में यानी पैन इंडिया रिलीज किया जा रहा है। इस फिल्म की कहानी को लिखा है एक्शन किंग अर्जुन सरजा ने, जिसके लीड में आपको ध्रुव सरजा के अलावा कई सारे बेहतरीन एक्टर भी नजर आने वाले हैं। बता दें कि इस फिल्म के 2 मिनट 33 सेकंड के टीजर में आपको हर चीज देखने को मिलने वाली है जो कि आप एक्शन एंटरटेनर फिल्म से उम्मीद करते हैं। इस फिल्म में एक्शन ड्रामा के अलावा रोमांस भी देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ KGF 2 जैसी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म में अपना म्यूजिक दे चुके रवि बसरूर का म्यूजिक भी इस फिल्म में आपको सुनने को मिलने वाला है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो ध्रुव सरजा की फिल्म मार्टिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ऑडियंस के लिए एक धमाकेदार टीजर लेकर आ चुकी है, जिसका कल धमाकेदार अटेंडेंस बेंगलुरु में एक इवेंट के जरिए रखा गया था और इस इवेंट में कई सारे सुपरस्टार के अलावा हजारों लोगों ने इस टीजर को एंजॉय किया और इस टीजर को बड़े पर्दे पर देखने के बाद यही कहा जा सकता है कि ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आग लगाने वाली है और साथ ही साथ ये फिल्म इंडियन सिनेमा के सभी बड़े रिकॉर्ड इंडियन बॉक्स ऑफिस पर तोड़ने वाली है। आपको बता दें कि इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है उदय के मेहता ने, जिनकी कंपनी वासावी एंटरप्राइजेस ने इस फिल्म के लिए कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। इसी के साथ ये फिल्म इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रॉसर बनने वाली है। आपको बता दें कि कन्नड़ सिनेमा के पिछले साल रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म KGF 2 और कंतारा ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हिस्टोरिकल कलेक्शन किया था। बता दें कि इन फिल्मों का बजट कम होने के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर एक बेहतरीन कलेक्शन किया था। प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म जिसके लीड में आपको सुपरस्टार यश, संजय दत्त, रवीना टंडन नजर आए थे। मात्र 100 करोड़ रुपए के बजट में बनने वाली फिल्म जिसका कुल कलेक्शन दुनिया भर में लगभग 1200 से 1250 करोड़ रुपए का रहा था, तो वही कांतारा फिल्म जिसके लीड में आपको ऋषभ शेट्टी नजर आए थे, इस फिल्म का बजट बेहद ही कम था लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक कमाई की। इस फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन 410.90 करोड़ रुपए दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर रहा था।